हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग ठीक भी नहीं होंगे तो ठीक हो जाओगे, क्योंकि आज ये जो क्लास चलेगी उसमें मैं ऐसी आप लोगों को चीज़ें करवाने वाला हूँ। आप लोगों को साइकोलॉजी का पी भी नहीं आता हो। अब देखिए, जिन लोगों को ये भी नहीं पता होगी साइकोलॉजी की स्पेलिंग पी से शुरू होती है, उनको भी साइकोलॉजी समझ में आएगी। इसका रीज़न ये है कि आप लोगों के लिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं पहले देखिए एक चीज़ से रूबरू कराना चाहता हूँ और आपको एक मिनट में मोटिवेट करना चाहता हूँ ताकि आप 3 घंटे के लिए पढ़ सकें। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको अपना 100% नहीं देना पड़ता, आपको अपना 100% नहीं देना पड़ता, क्योंकि जब आपको लगता है कि आप अपना 100% दे रहे हैं, मतलब कि आपको लगता है कि आप अपना पूरा एफर्ट मार रहे हैं, और मतलब कि आप पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और आपको यह लग रहा है कि मतलब कि मैंने अपना 100% दे रखा है, तो एक रूल समझिए यहाँ पर, रूल ऑफ 33%। यानी कि जब आप अपना आपको लगता है कि 100% दे रहे हैं, उस टाइम पर आप सिर्फ अपना 33% दे रहे होते हैं, और एक्चुअल में 67% आपके अंदर बचा हुआ होता है। अब इस पूरे YouTube में, पूरी कम्युनिटी में 99% ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना 100% भी नहीं देते। और अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आपको 100% से ज़्यादा देना सीखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको 100% से ज़्यादा देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 100% से ज़्यादा देते हैं तो आप उस 1% की कैटेगरी में आ जाते हैं, और वो 1% स्टूडेंट काफ़ी सक्सेसफुल, काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी रिच और काफ़ी अच्छी पोस्ट पर होते हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए। 9 दिनों में सब कुछ करना, यानी कि जो आप लोग ये समझ के चल रहे हैं कि जो आप एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं सीटेट, वो सिर्फ MCQ की फॉर्म से हो जाएगा, या फिर 20 मिनट की वीडियो में हाउ टू की में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं हो सकता। आपको 100% से ज़्यादा देना पड़ेगा, ये आप सीख के चलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आवाज़ में देख लेता हूँ, आप लोग कह रहे हैं दिक्कत आ रही है, लेकिन आनी नहीं चाहिए। ज़्यादा देना पड़ेगा। हाँ जी, आवाज़ में दिक्कत है। हेलो, अब ठीक है? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब ठीक आनी चाहिए आवाज मेरी। मैंने आपको इतना अच्छा मोटिवेट किया और आपको मेरी आवाज क्लियर नहीं सुनाई थी। ओ गॉड, व्हाट इज हैपनिंग विद मी? गलत हुआ यार, मैं खुद इतना मोटिवेट हो गया था आपको 3 घंटा पढ़ाने के लिए, और मैंने आपको पते की बात बताई, लेकिन मेरी आवाज क्लियर नहीं पहुंची यार, गलत बात है। मैंने आपको इतना अच्छा मोटिवेट किया। कोई बात नहीं, अब ठीक है, चलो अब ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, आपको 100% से ज्यादा देना सीखना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। तो आज हम करेंगे क्या, आज हम पूरे सिलेबस को करना शुरू करेंगे। अब थ्रू आउट आप लोगों को शुरुआत से लेकर चलूंगा कि बाल विकास होता क्या है और लर्निंग क्या होती है, और इन दोनों का मिक्सअप, अलग अलग स्टेजेस XYZ। यानी कि आप एक स्टूडेंट हैं, 3 घंटे से पहले वाले आप में और 3 घंटे बाद वाले आप में जमीन आसमान का फर्क होगा, ये लिख लीजिए आप, और आप चीजों को भूलेंगे भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को।
मैं अपना पिटारा खोल लेता हूं, जो चीजें मुझे आपको करवानी है। एक मिनट दीजिए मुझे, तब तक आप अपना पानी वगैरह पी लीजिए दोस्तों, या ले आइए। आज की क्लास में आप लोगों को बेस मेकिंग चीजें तो मिलेंगी ही, लेकिन साथ साथ जो ये दिमाग पे ये रहता था ना सर, सिलेबस कब करवाओगे, ये है वो है, तो मैं इन 10 क्लासेस में पूरा सिलेबस आपका करवा चुका हूँ। हाँ बस उसके बाद में जितने भी टॉपिक्स होंगे ना ये इसमें, इनको फिर मैं वीडियोस के थ्रू आपको करवाऊंगा। दैट इज इट, यही यार बिहाइंड द पिक्चर सोचता हूँ मैं, वही आप लोगों के सामने। तो अभी अपनी क्लास को शुरू करते हैं, मैंने आपकी क्लास जो है सेटअप कर ली है। एक एक चीज समझा के हटना है आज मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, माय मेन मोटिव इज कि एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। बहुत दिन हो गए यार वैसे भी इतनी सीरियस और इतनी लंबी क्लास लिए, तो आई विल फील माई सेल्फ काफी दिन के बाद, तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो चलिए ये तो शुरू हो गई है, अब आपको क्लास में एंट्री मरवाते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो क्लासरूम में हमारे हैं, आपके पीछे आपकी क्लास अभी खुलने वाली है। जस्ट रूम में मोमेंट ना, आ गए हैं हम चलते हैं यहाँ पर। चलिए शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे कैमरा को ठीक करके थोड़ा सा, शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे बाल विकास से, जो सीडीपी के नाम से जाना जाता है, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस में लर्निंग की थ्योरी, थोड़ी बहुत टीचिंग आप लोगों के लिए जाननी जरूरी है। जितने भी राज्य के टेट एग्जाम वाले हैं वो नीचे मैसेज करेंगे, सबके लिए है। सबसे पहले हम जानेंगे विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और इसका लर्निंग के साथ क्या लेना देना है, यानी कि द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ओके, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो विकास होता है जिसको आप डेवलपमेंट कहते हैं, ये आखिरकार है क्या। सबसे पहले जानिए, जो डेवलपमेंट होता है वो एक बारी में नहीं होता कि मान लीजिए एकदम से सब कुछ हो गया, नहीं, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। दिस इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, जो धीरे धीरे होती है थ्रू आउट लाइफ, जिसको आप लाइफ लॉन्ग भी बोलते हैं, यानी कि जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में आता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक उसका विकास होता रहता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल, स्टेजेस के अनुसार और कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड। ये एक छोटी सी बात है, कंसेप्ट को समझाने वाली बात है। तो सबसे पहले आपने क्या देखी, सबसे पहले आपने यहां पर देखा कि विकास के अगर प्रक्रिया की बात करें, यानी कि इसके प्रोसेस की अगर हम बात करें, तो ये अविरल, यानी कि सब में होता है, विरला, विरल, विरल का मतलब होता है किसी किसी में होने वाला, विरला ही, यानी कि बहुत मुश्किल से हो। लेकिन अविरल का मतलब क्या हुआ, यानी कि सब में आपको विकास देखने को मिलेगा, क्रमिक होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल, यानी कि सीक्वेंस में होगा। कुछ बातें शैशवावस्था में, कुछ बाल्यावस्था में, कुछ किशोरावस्था में, और थ्रू आउट लाइफ आपका डेवलपमेंट होता रहेगा। इसका मतलब होता है सीक्वेंशियल, यानी कि क्लियर। आगे सीक्वेंस में यह एक सतत प्रक्रिया है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि लगातार, लगातार, कभी ना रुकने वाली, जैसे कि आपके दिल की धड़कन
रुकती है कभी, नहीं रुकती, जिस दिन ये रुक जाएंगी आप रुक जाओगे। तो ये कैसी प्रक्रिया है, ये सतत है, ऐसे ही डेवलपमेंट भी सतत है। ओके, तो यहां पर ये कंसेप्ट आपको समझाने वाली बात थी। अब आप बोलेंगे कि ये जो सतत डेवलपमेंट होता है ये किन किन चीजों में होता है। अब देखिए, मैं आपकी जगह पर होता तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि डेवलपमेंट सीक्वेंस में होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो किन चीजों में डेवलपमेंट होता है। तो जब बच्चा अपनी माता के पेट में आता है और जब उसकी मृत्यु होती है, उस पूरे लाइफ स्पैन के बीच में बच्चे के अंदर शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं, यानी कि फिजिकल चेंजेस, फिजिकल डेवलपमेंट होता है पहला। दूसरा होता है क्रियात्मक, जिसको आप शारीरिक ही बोलते हैं, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक, अलग अलग है, लेकिन इनको समझने के लिए आपको इनको तीन टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। पहला टुकड़ा आपको क्या लेना पड़ेगा, फिजिकल, जिसको आप क्या बोलते हैं, शारीरिक। बच्चा शारीरिक तौर पर धीरे धीरे विकास करता है, एक टाइम पर जाकर विकास की ये जो शाखा है फिजिकल वाली वो रुक जाएगी, लेकिन इसको ग्रेजुअल माना जाएगा। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है पहला भाग। दूसरा होता है कॉग्निटिव, यानी कि प्रत्येक बच्चा मानसिक तौर पर, यार अजय क्या कॉल है मेरे पास, एक सेकंड रुकिए जी, लाइव नहीं चल रही क्या, लाइव नहीं चल रहा अजय है मेरा, तो तूने मेरे पास इसलिए फोन किया है क्या, मेरा लाइव नहीं दिख रहा तुझे, एक सेकंड यार मैं चेक कर लूं। इतना अच्छा फ्लो बना हुआ था, भगवान कसम यार आज तो मेरी किस्मत ही खराब है। आज मैंने एक अच्छा मोटिवेट किया शुरू में स्टूडेंट को, वो आवाज खराब निकल गई। अब मैं इतना फ्लो में आया हुआ था, अब तेरा फोन आ गया कि लाइव नहीं चल रहा, तो आई हैव टू चेक, हे भगवान चेक कर लूं मैं। नहीं चल रहा क्या, चल रहा है, चल रहा है ये टाइप कर दो यार, कोई यार साउंड कम है मुझे पता है यार, ये आवाज का सिस्टम चल रहा है, लेकिन चल रहा है टाइप कर दो। अरे भी मैंने शेयर नहीं किया ना, मैं क्लास के अंदर इतना खो गया कि मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर नहीं किया। जल्दी से बताओ यार अजय भाई, पिछले जन्म में कुछ पाप कर रखे थे भाई, अच्छा करने जाओ कभी बीच में रुक जाता है। चल रहा है यार अजय, चलिए यार चल रहा है, ओ गॉड, चलो इसी बहाने शेयर भी कर देता हूं, आप लोगों का फ्लो टूटा उसके लिए सॉरी यार, लेकिन एक बार मेरी तरफ देखिएगा मेरा कितना फ्लो टूटा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आई एम मोर मोटिवेटेड ना। चलिए सब ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर, यानी कि बच्चे के अंदर दोबारा से गाड़ी को हम कौन से गियर में आ गए थे, फोर्थ गियर में आ गए थे, थर्ड और फोर्थ गियर से स्टार्ट करते हैं। यानी कि आप ये देखिए कि जब बच्चे के अंदर डेवलपमेंट होता है, जो मैंने बताया कि कंटिन्यूअस होगा और आपका कैसे होगा, सीक्वेंस में होगा, तो वो तीन क्षेत्रों में होता है। पहला तो होता है फिजिकल, जिसको शारीरिक बोलते हैं, दूसरा होता है कॉग्निटिव, जिसको संज्ञानात्मक या मानसिक विकास बोलते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका इफेक्टिव, जिसके अंदर आपके बहुत सारे डेवलपमेंट आ जाते हैं, सामाजिक, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, आपका मॉरल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपके इफेक्टिव डेवलपमेंट में आती हैं। तो बालक के विकास का मतलब हुआ एक ऐसी प्रक्रिया जो सीक्वेंस में होगी, लगातार होगी, फिजिकल, कॉग्निटिव और इफेक्टिव डेवलपमेंट इसके अंदर बच्चे का होगा। अब जब बच्चे का फिजिकल, इफेक्टिव और आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तब विकास के अंदर आप काफी सारी चीजों की स्टडी करते हैं।
यानी कि जब बच्चा डेवलप करेगा तो आप उसकी कई चीजों की स्टडी करेंगे। वो कौन कौन सी चीज होंगी? सबसे पहली चीज होगी उसकी रुचि, यानी कि उसका इंटरेस्ट। अब आप बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में जानकारी लेंगे बाल विकास में। दूसरा है आदतें, यानी कि हैबिट। बच्चे की आदतें क्या है? आप अगर किसी बच्चे को गलत आदत लगी तो उसे मॉडिफाई कैसे करेंगे? तीसरा है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ व्यू, या आप बोल सकते हैं बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। उसके बाद जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज या मोरल वैल्यूज, इन सब की स्टडी होती है बाल विकास में थ्रू आउट लाइफ। उसके बाद बच्चे का स्वभाव, स्वभाव को क्या बोलते हैं? बच्चे का नेचर। उसके बाद व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, व्यवहार, बिहेवियर, इन सब की स्टडी बाल विकास के अंदर की जाती है। तो आपको यहां पर एक फौरी तौर पर, यानी कि मोटे मोटे तौर पर इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि बाल विकास आखिरकार है क्या। बालक के अंदर लाइफ लॉन्ग इन तीनों चीजों के अंदर परिवर्तन आना, जो इसको भी नहीं समझा वो ये समझ लो बच्चों की रुचियों में, आदतों में, पॉइंट ऑफ व्यू में, जीवन वैल्यू में, बच्चों के स्वभाव में, पर्सनैलिटी में, बिहेवियर में, इन सब में चेंज आने को ही विकास कहते हैं। यानी कि विकास एक मिला जुला रूप है तीन तरीके के चेंजेस का। ये है भाई मोटी मोटी बात। तो आपको यहां पर बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, यस टाइप करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये तो बस मैं एक आपको फौरी तौर पर समझा रहा था कि बस आपको समझ में आ जाए कि ये है क्या। अब डीप लेके चलूंगा बिल्कुल आपको। बताइए समझ में आया? यस टाइप कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी। अब तीन सौ तीस स्टूडेंट है, कोई बात नहीं, बहुत है। 330 में से 300 स्टूडेंट अगर ये नहीं बोल दे 3 घंटे के बाद सब कुछ क्लियर है तो वही सफल हो जाऊंगा मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए कि आप किन किन चीजों को बाल विकास के अंदर शामिल करते हैं, यानी कि आप किन किन चीजों को ऐड करते हैं बाल विकास के अंदर जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए जब आप चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे के जन्म लेने से पहले से बच्चे के परिपक्वन होने तक बालक के अंदर जिस तरीके के चेंजेस आएंगे आप उनको फोकस करेंगे। अब देखिए यहां पर एक सोचने समझने की बात है कि जो व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आते हैं वो अपनी माँ के पेट में आने से लेकर मरने तक आते हैं, मृत्यु तक। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले क्या स्टडी किया जाता था, मानव विकास। आपको हिस्ट्री में लेकर चलता हूं साइकोलॉजी की, मानव विकास की स्टडी की जाती थी, यानी कि जी आपके जन्म पूर्व अवस्था से मृत्यु तक। लेकिन 21वीं शताब्दी में चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच अपनाने के साथ साथ क्या किया गया, बच्चे को अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए इसके दायरे को कम कर दिया गया है और एक नई शाखा निकली जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसके जिसको आजकल आप बाल विकास के नाम से जानते हैं। ये जो शाखा थी ये मानव विकास की वो शाखा थी जो जन्म पूर्व यानी कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्व होने तक यानी कि बच्चे की किशोरावस्था तक चलती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो स्टडी होती है, जो एक स्पैन है आपकी स्टडी का बाल विकास में, वो कब से कब तक है? वो जन्म लेने से पूर्व से लेकर किशोरावस्था तक है, ठीक है? यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब देखिए जब आप बाल विकास की स्टडी करते हैं जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें किस किस चीजों को डिस्कस किया जाता है। तो उसमें हमने जाना कि जब बच्चा गर्भावस्था में होता है और किशोरावस्था तक होता है तब तक बच्चे के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनकी स्टडी की जाती है। उसके बाद बालक के अंदर होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ स्पेसिफिक बातें बच्चा किशोरावस्था में सीख लेता है, जैसे कि भाषा को सीखना। उसके बाद आपने देखा होगा कि बच्चे के अंदर
काफी सारी चीजें बाल्यावस्था के अंदर भी होती है, बच्चे के अंदर जो है समूह निर्माण होना और अलग अलग जो है तरीके के विकास जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो होते हैं। किशोरावस्था में एक अलग तरीके की चीजें होती हैं जो आपकी इन्फेंसी जो पहली अवस्था होती है उससे थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन हर एक अवस्था में एक अलग तरीके का विकास होता है। तो हर एक अवस्था को काफी डीपली स्टडी किया जाता है आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि मेन फोकस होता है आपका किशोरावस्था तक। अब आप सोचेंगे किशोरावस्था को ही क्यों लास्ट लिमिट बनाया गया? आप मुझे बताइए पढ़ाई कब तक करते हैं? पढ़ाई आप किशोरावस्था तक ही ज्यादा करेंगे ना। तो जो स्टडी के लिए क्रिटिकल टाइम है उसको ही कंसंट्रेट किया गया है इसमें। तो हर एक आयु के साथ हर एक अवस्था के साथ जो विशेष परिवर्तन आते हैं उनको अलग से इसमें काफी अच्छे तरीके से ट्रैक किया जाता है। आयु के साथ होने वाले यानी कि बाय डिफॉल्ट एज के साथ जितने भी चेंजेस आएंगे आप उनकी स्टडी करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ओके आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, कंटेंट कराऊंगा, 10 क्लास लूंगा, 3-3 घंटे की, 30 घंटे में A to Z CDP आपका हो जाएगा। आगे देखिए, आप ये भी देखते हैं बाल विकास में कि ये जो परिवर्तन आते हैं बच्चे के अंदर वो बच्चे के व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। अब देखिए आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि सारी चीजें ले देकर किस चीज के ऊपर खत्म हो रही हैं, व्यवहार के ऊपर। आप सोच रहे होंगे कि आजकल साइकोलॉजी के अंदर व्यवहार के ऊपर जोर क्यों दिया जा रहा है, तो आपको साइकोलॉजी की जड़ में लेकर चलता हूं। देखिए जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई उस टाइम पर दोस्तों मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान नहीं माना जाता था, ठीक है? ये बदलता रहा, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। अब देखिए शुरुआत में 1879 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक संरचनावादी संप्रदाय का गठन किया और उन्होंने पहली लेबोरेटरी खोल ली जहां पर उन्होंने एक लैब के अंदर साइकोलॉजी को जो है शुरू किया अच्छे तरीके से। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि ये जो साइकोलॉजी थी इसको आप फिलोसफी के अंदर ही पढ़ते थे, यानी कि साइकोलॉजी कुछ अलग से नहीं थी। आजकल तो आप क्या करते हैं साइकोलॉजी के अंदर आप डिग्रियां लेते हैं, लेकिन उस टाइम पर साइकोलॉजी ही नहीं थी, उस टाइम पर फिलोसफी थी। उस टाइम पर फिलोसफी से ये साइकोलॉजी अलग हुई और इसकी स्टडी स्टार्ट हो गई। लेकिन ये जो विलियम वुंट थे उनका मानना ये था, मान उनसे अगर मान लो आप ये बोले, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, किताबी बातें आपने पढ़ी होंगी कभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं। आप उनसे पूछो किसी बच्चे को गुस्सा क्यों आता है, तो आप मनोवैज्ञानिक से पूछोगे उसका काम है ये, तो वो क्या करता था, उसने बेस बनाया हुआ था जो संरचनावादियों का विचार क्या था, समझो एक ही मिनट में। संरचनावादी मानते थे कि आपको किसी भी चीज का रिजल्ट निकालना है वो अपने अंदर झांक कर निकालो। मान लो मैं वुंट हूं और मुझसे पूछा वुंट जी बच्चे को गुस्सा क्यों आता है, तो मैं अपने अंदर झांकूंगा कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, तो मैं बोलूंगा जब कोई गाली दे या जब कोई रिस्पेक्ट ना करे या जब कोई उल्टा बोले या XYZ कोई भी कारण। तो जरूरी है क्या कि जिस चीजों से मुझे गुस्सा आता है दूसरे व्यक्ति को भी उससे गुस्सा आए? नहीं। तो ये जो अपने अंदर झांक कर रिजल्ट निकालने का तरीका था ये था इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अंतर्दर्शन, खुद के अंदर झांक कर रिजल्ट निकालना, जिसको ठुकरा दिया। अब यहां तक आते आते बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के संप्रदाय ने फिर अलग अलग चीजें बताई, उनको नहीं माना गया। तो आप समझ गए सबसे पुरानी विधि साइकोलॉजी की पूछेंगे तो क्या होगी? इंट्रोस्पेक्शन विधि। समझ में आ गई बात क्यों होगी? मैंने आपको बताया सबसे पहले उन्होंने वो वहां पर सेटअप किया और फिर अपनी ये थिंकिंग निकाली जिसको रिजेक्ट कर दिया। यहां तक आते आते 21वीं सदी में व्यवहारवादी एक मनोवैज्ञानिक थे J.B. वॉटसन, जिसको आप वाटसन के नाम से जानते हो, उन्होंने एक अलग संप्रदाय निकाला व्यवहारवाद। अब ये था क्या? व्यवहारवाद का मतलब था दोस्तों, समझिएगा दोस्तों, ये KVS DTRPS भी टॉपेस्ट लेवल के एग्जाम्स की बातें हैं। जो वाटसन थे उन्होंने देखा कि यार साइकोलॉजी की स्टडी ठीक तरीके से नहीं हो रही। साइकोलॉजी का मतलब होता है रिजल्ट्स का तीन चीजें होना। देखिए
उसने एक चीज पर फोकस किया कि जो रिजल्ट निकलने चाहिए वो होने चाहिए रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है, अब ये वर्ड समझ लीजिए, रिलायबल टेस्ट, रिलायबल ये वो सब कुछ समझ आ जाओगे। रिलायबल का मतलब होता है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सके। 99% इंडिया के आदमी क्रिकेट देखते हैं, तो राहुल द्रविड को मिस्टर रिलायबल कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो हर बार रन बनाता था, यानी कि हर बार रिजल्ट ठीक आए। तो उन्होंने सोचा कि अगर साइकोलॉजी का कोई दृष्टिकोण दुनिया एक्सेप्ट करेगी तो वो ऐसा होना चाहिए जिसके रिजल्ट हर बार सेम आए, चाहे टेस्ट मैं लू चाहे कोई और ले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज उसने देखी कि रिलायबल आने के साथ साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, सटीक होने चाहिए, यानी कि वैलिड होने चाहिए। जिसको अब वैलिडिटी क्या होती है, जिस चीज को मापने का दावा करे उसी चीज को मापे। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए कंप्यूटर की एक जॉब के लिए, आप एक कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं और वहां पर आपसे हिस्ट्री पूछने लग जाए, तो आप मुझे बताइए उस टेस्ट का कोई फायदा है? नहीं। तो वॉटसन ने एक चीज को पकड़ा कि रिजल्ट रिलायबल आने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। तो उसने एक विचारधारा निकाली व्यवहारवाद की, और आप मानेंगे नहीं कि जब भी, मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं कि गुस्सा क्यों आता है बच्चे को। अब वुंट से पूछा गया था तो आप सेटिस्फाइड नहीं थे, अब मैं वॉटसन बन जाता हूं, अब मैं वॉटसन हूं व्यवहारवादी, अब मेरी थिंकिंग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, व्यवहारवादियों के सारे आंसर दे दोगे। मुझसे पूछा गया वाटसन जी बच्चे को गुस्सा क्यों आता है, तो बच्चे को गुस्सा इसलिए आएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बच्चे के व्यवहार को देखूंगा, यानी कि सबसे पहले आप ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जर्व। वुंट ने गलती क्या की थी, अपने अंदर जाकर था, लेकिन व्यवहारवादी क्या कर रहे थे, दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे थे। बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। मान लीजिए बबच्चे को ऑब्जर्व किया उन्होंने 3-4 दिन और देखा कि जब बच्चे को उसके खिलौने नहीं दिए जाते या जब बच्चे को भूख लगती है तो उसे गुस्सा आता है, तो वो रिजल्ट दे दिया उन्होंने। अब उन्होंने एक खास बात और क्या की, रिजल्ट के साथ साथ दोस्तों उन्होंने भविष्यवाणी भी करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि उन्होंने बताया कि देखिए अगर नेक्स्ट टाइम जब बच्चे को भूख लगेगी या जब उसका खिलौना दूर जाएगा तो वो रोएगा। यानी कि व्यवहारवादी फोरकास्ट भी कर सकते थे कि क्या हो सकता है। तो जहां पर विलियम वुंट ये क्लैरिटी ही नहीं दे पा रहे थे कि बच्चे को गुस्सा क्यों आता है, यहां पर वाटसन ने क्या किया, क्लैरिटी भी दी, भविष्यवाणी भी की। और ये क्लैरिटी और भविष्यवाणी क्यों कर पाया, क्योंकि वो ऑब्जर्व करके 3 चीजों के ऊपर ध्यान देता था। कोई व्यवहार क्यों हो रहा है, कोई व्यवहार क्यों हो रहा है, क्या व्यवहार हो रहा है, कैसे व्यवहार हो रहा है, क्यों क्या कैसे, उन्होंने इन तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर कंसंट्रेट किया जब किसी को ऑब्जर्व किया। और ये जो पूरा प्रोसेस था ऑब्जर्व करके क्यों क्या कैसे का पता लगाना, ये विधि थी एक्सट्रोस्पेक्शन, बहिर्दर्शन विधि। तो ये दो विधियां आपको जाननी जरूरी हैं। तो आपने यहां पर दोस्तों एक चीज देखी होगी कि जो साइकोलॉजी को आप पढ़ेंगे अभी, जो साइकोलॉजी बेस्ड होगी जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, वो व्यवहारवादियों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। आपने ये चीजें नहीं सुनी होंगी, देखो यार जो भी चीजें आप पढ़ते होंगे ले दे के वही चीजें एक्स वाई जेड जगह पढ़ते होंगे, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से अपने नजरिए से सारी चीजें समझाऊंगा और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बनाऊंगा। ठीक है, वो रट्टाफिकेशन, वो सेम चीजों से पढ़ाना सेम तरीके से वर्क नहीं करता है रियल लाइफ में, इक्के दुक्के स्टूडेंट को ही करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि बच्चे के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं और भविष्य में जो भी चेंजेस आएंगे और वो चेंजेस गुणात्मक और परिमाणात्मक होंगे, आप उनकी भविष्यवाणी कर सकेंगे अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पता होगा। अब देखिए बच्चे के अंदर जो चेंज आते हैं वो 2 तरीके के आते हैं, एक होते हैं मात्रात्मक, दूसरे होते हैं गुणात्मक।
मात्रात्मक का मतलब होता है आपका क्वांटिटेटिव, गुणात्मक का क्वालिटेटिव। देखिए तीन डेवलपमेंट के एरियाज होते हैं, पहला होता है फिजिकल, उसके अंदर जितने भी चेंज आएंगे आप उनको काउंट कर पाएंगे, यानी कि यूनिट के अंदर मेजर कर पाएंगे, हाइट कितनी बड़ी है, वेट कितना बड़ा है, वेट कितना कम हुआ है। शरीर के अंदर जो एक्सटर्नल चेंजेस आएंगे जिनको आप नेकेड आई से देख सके और मेजर कर सके यूनिट के अंदर, वो मात्रात्मक होते हैं, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट। तो जो चेंजेस आएंगे वो मात्रात्मक भी होते हैं और कई होते हैं गुणात्मक, जिनको आप नेकेड आई से नहीं दे सकते, वो एक्सटर्नल, वो इंटरनल यानी कि आंतरिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट कितना हुआ है, बच्चे का सामाजिक विकास कितना हुआ है, तो ये आपके एक्सटर्नली आप पता नहीं कर सकते। तो बच्चे के अंदर जो चेंज होते हैं वो मात्रात्मक और गुणात्मक होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो आपका इफेक्टिव डेवलपमेंट होता है वो गुणात्मक होता है और फिजिकल मात्रात्मक। तो ये भी आप समझ गए। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर दोनों चेंजेस की आप स्टडी करेंगे, उसके बाद आप वृद्धि एवं विकास के अंदर कंपैरिजन भी करेंगे। दो कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, एक होगा वृद्धि, एक होगा विकास, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये भी आप जानेंगे। उसके अलावा बालक के अंदर व्यक्तिक विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक मनोवैज्ञानिक है फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन ने कहा कि बच्चे का विकास करने का पैटर्न पैटर्न सेम होता है, लेकिन हर एक बच्चा विकास अलग तरीके से करता है। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे या आप जितने भी लोगों को जानते होंगे, क्या सबका फिजिकल डेवलपमेंट आपकी तरह है? नहीं। इक्के दुक्के का हो गया चलो मान लिया, लेकिन क्या उनका मेंटल डेवलपमेंट आपकी तरह है? नहीं। मेंटल, कॉग्निटिव, फिजिकल लेवल पर हर एक स्टूडेंट दूसरे से अलग होगा, हर एक व्यक्ति अलग होगा। ये फ्रांसिस गाल्टन ने निकाला था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो आपकी क्लास में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो बच्चे होंगे, आपको उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इन सब की स्टडी आप करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। तो आपने देखा बहुत सारी चीजों का जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर स्टडी करते हैं। अब आपको बताना चाहता हूं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यानी कि विकास के अभिलक्षण क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला लक्षण इसका ये होगा कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा। कैसा होगा? लाइफ लॉन्ग, यानी कि ये जीवन भर आपका चलेगा। उसके बाद जीवन भर चलने का मतलब है गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास चलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज पता होगा कि विकास जो चलता है, यानी कि जो विकास के जो रूल होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर। ये चीज क्या होती है अब देखिएगा, यानी कि आपने देखा है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो पहले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि सबसे पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करेगा और उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करेगा। जैसे कि मान लो बच्चा पहले फुटबॉल खेलना सीखेगा या पहले बच्चा चलना सीखेगा? पहले बच्चा चलना सीखेगा, उसके बाद फुटबॉल खेली जाएगी। तो पहले सामान्य फिर विशिष्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये हो गया। दूसरा सरल से जटिल, ये हो गया सामान्य से विशिष्ट, सॉरी इसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं, सरल से जटिल को बोलेंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और सामान्य से विशिष्ट को आप बोलेंगे अरे सामान्य से विशिष्ट को क्या बोलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक यार, हाँ जनरल टू स्पेसिफिक, हाँ जी इसको जनरल टू स्पेसिफिक बोलेंगे। यानी कि पहले आप सामान्य क्रियाएं करेंगे फिर आप विशिष्ट क्रियाएं करेंगे, इसे जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं। सरल से जटिल को बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये मैं उल्टा लिख गया था। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, पहले आप आसान क्रियाएं करते हैं फिर आप मुश्किल क्रियाओं की तरफ जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद एकीकृत से क्रियात्मक सत्रों की तरफ, इसका मतलब होता है आपका कि सबसे पहले आपने देखा होगा कि बच्चे को अगर आप खाना दोगे, मान लीजिए आपने चावल दिए बच्चे को, तो अपने पूरे हाथ से पकड़ेगा, पूरे हाथ से खाने की कोशिश करेगा, लेकिन बाद में उसका कोऑर्डिनेशन हो जाता है, उसका कंट्रोल हो जाता है उसकी उंगलियों के ऊपर। तो जो डेवलपमेंट होगा दोस्तों वो एकीकृत से क्रियात्मक सत्रों की ओर भी चलेगा। अब आगे आप एक चीज देखेंगे कि
जो कुछ डेवलपमेंट होंगे जो काफी तेजी से होंगे और जो आपको बाहरी रूप में दिखाई देंगे, जिनको आप जो बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। और जैसे कि देखिए आप यहां पर देखिए, कुछ चेंजेस जो होंगे ना दोस्तों, आप उन्हें क्लियरली देख पाएंगे डेवलपमेंट के अंदर, और कुछ को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। देखिए जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट आप देख पाएंगे, जैसे कि दांत निकलना, और जैसे जैसे बच्चे अपनी क्रियाओं को करते हैं, जैसे कि बच्चे जब भाषा सीखते हैं, व्याकरण को समझते हैं, यानी कि आप धीरे धीरे बच्चे को जब डेवलप होते हुए देखेंगे तो उसके फिजिकल चेंज तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन कुछ ऐसे चेंज होंगे जिनको आप बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं मात्रात्मक और गुणात्मक। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब देखिए जो विकास होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कुछ चीजों में तो ये तेज होगा लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये इतना तेज नहीं होगा। जैसे कि आपने एक चीज देखी होगी कि जब बच्चे का विकास होना शुरू होता है तो शुरुआत वाली अवस्था में, यानी कि शैशवावस्था में क्या होता है, इन्फेंसी में अवस्थाएं भी आएंगी आगे, वो सारी चीजें कराऊंगा, टाइम पीरियड क्या है, सिद्धांत क्या है, वो सब आएंगे। 3 घंटे की क्लास है समझते हुए चलो। इसका मतलब ये है कि देखो इन्फेंसी में शुरुआती अवस्था में फिजिकल चेंज जो होंगे वो बहुत ज्यादा आएंगे, बहुत तेजी से आएंगे, बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होगा लेकिन इफेक्टिव डेवलपमेंट जीरो होगा। लेकिन बाल्यावस्था में आप क्या देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा रुक जाता है। किशोरावस्था में फिजिकल भी तो आपका क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, और उसके बाद पहली अवस्था में जहां पर सोशल डेवलपमेंट जीरो था यहां पर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। तो ये जो डेवलपमेंट के एरियाज हैं, ये जरूरी नहीं कि हर एक स्टेज में एक जैसे ही डेवलप हो। तो कई बार क्या होता है, किसी एरिया में डेवलपमेंट तेज होता है, कई बार किसी में तेज होता है। विकास लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसके कोई कठोर रूल ना हो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया किसी भी अवस्था में हर एक डेवलपमेंट के एरिया में सेम विकास हो जरूरी नहीं है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होना फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है, लचीलापन। तो विकास लचीला है, आप हमेशा ऑप्शन देखते हो विकास की एक कैरेक्टरिस्टिक, विकास लचीला होता है। तो क्यों होता है देख लीजिए, ये है रीजन, इसलिए लचीला होता है। चलिए आगे, समझ चुके होंगे आप इन सब चीजों को। आगे अब देखिए, वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होते, यानी कि आपने देखा होगा कि जो डेवलपमेंट होगा दोस्तों वो आपको कभी लीनियर नहीं दिखेगा। आपने देखा होगा कि विकास कैसा होता है, लीनियर होता है। आप बोलेंगे नहीं, लीनियर का मतलब होगा एक लाइन में, यानी कि हर एक अवस्था में बराबर बराबर हो रहा है। जैसे कि विकास करवाने वाला दुकानदार है, वो तोल तोल के तीनों डेवलपमेंट कर रहा है, हो नहीं सकता। विकास आपको कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि विकास कभी भी लीनियर नहीं होगा, ठीक है, ये बात आप, ठीक है। तो यहां पर आप ये चीजें समझ गए हैं। आगे आप एक चीज देखेंगे कि डेवलपमेंट के अंदर आप टेम्परेरी चेंज नहीं देखेंगे, यानी कि जो विकास होता है ना दोस्तों उसके अंदर जो चेंज होते हैं वो टेम्परेरी नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी हरामी है और उसने रात को शराब पी ली और उसके बाद तू मेरा भाई है और मॉर्निंग में फिर वैसा ही, तो क्या आप उसके व्यवहार के अंदर वो चेंज मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। तो जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है, ये याद रखिएगा। कई लोग मानते हैं कि विकास होने के अंदर जो चेंज इन बिहेवियर होता है, सिर्फ चेंज इन बिहेवियर होता है, नहीं, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो परमानेंट नहीं होते। अब आपके दिमाग में आएगा कि कुछ ऐसे चेंजेस बताओ जो परमानेंट ना हो, जैसे कि मौसम के कारण आपकी तबीयत खराब हो गई, आपकी कमर में दर्द हो गया, आपको जुखाम हो गया, जिंदगी भर जुखाम होगा, नहीं होगा, ठीक हो जाओगे आप। आपके अंदर जो चेंज आए हैं वो परमानेंट नहीं है। आप थक गए या आकस्मिक कारणों से आपके अंदर जो अस्थायी परिवर्तन आ गए,
बाइक से आप गिर गए, टांग टूट गई, आपसे चला नहीं जा रहा है, पानी भी आपको दूसरा दे रहा है, ठीक है, आपकी ये हालत हो गई है कि आप बोलते हो कि मम्मी पानी देना, वो बोलेगी उठ के ले ले, थप्पड़ मार दूंगी, आप बोलते हो कोई बात नहीं थप्पड़ मारने आओ तब ले आना, क्या हमेशा ऐसे रहने वाले हो? बिल्कुल नहीं रहने वाले हो। तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं दोस्तों जो अस्थाई होते हैं, उनको आप विकास नहीं मानेंगे। विकास का मतलब होगा जो आपके अंदर चीज परमानेंट आती है। मान लीजिए आपको गाड़ी चलानी नहीं आती थी, आपने गाड़ी चलानी सीख ली तो आपका डेवलपमेंट हुआ है। आप 2 महीने बाद भी गाड़ी चलाना छोड़ के दोबारा चलाओगे तो चला लोगे। तो ये चेंजेस दोस्तों परमानेंट होते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए अब एक चीज और बताना चाहता हूं कि जो डेवलपमेंट के एरियाज होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप डेवलपमेंट की एक और विशेषता देखते होंगे कि विकास के तीनों क्षेत्र आपस में जुड़े हुए होंगे। आपने एक डायग्राम देखा होगा, ये वाला, जहां पर ये तीन गोले आपस में मिल रहे होते हैं, और आपने देखा होगा कि इन तीन गोलों के बीच में एक ऐसी जगह होगी जो जुड़ी हुई है, ये वाली, ये ऐसी जगह है दोस्तों जो तीनों गोलों के अंदर आती है। इसी के बेस पर आप क्या बोलते हैं कि तीनों डेवलपमेंट के एरिया इंटर कनेक्टेड है, यानी कि जुड़े हुए हैं, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये इफेक्टिव, ये साइकोमोटर। अब ये कॉमन एरिया आया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लो किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, मान लो खुदा न खास्ता किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, चल नहीं पाता वो, अपने उसको अपनी जगह पर ही रहना पड़ता है, तो क्या उसका इतना ज्यादा इफेक्टिव डेवलपमेंट होगा? नहीं। उसको साधन इतने नहीं मिलेंगे पढ़ने के, उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना होगा? नहीं। किसी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ, कभी भी आप नहीं देखोगे अट्टे कट्टे जिसका मेंटल डेवलपमेंट हुआ वो इतना हट्टा कट्टा, कभी नहीं देखोगे, 1% मिल जाएंगे आपको। हमेशा शारीरिक रूप से भी प्रभावित होते हैं वो बच्चे। डेवलपमेंट के तीनों एरियाज अगर आपके खराब हुए, मान लीजिए आपका इफेक्टिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, कमरे के अंदर घुसे रहते हो, भीम थोड़ी बन जाओगे आप, ऐसे मिलोगे, समझ में आई बात? तो हर एक जो डेवलपमेंट का एरिया है वो आपस में जुड़ा हुआ है, एक का विकास नहीं हुआ तो दूसरे को भी वो इफेक्ट करेगा। तो ये है इसका मतलब, ये भी आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यहां पर एक और विकास की कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी, और वो ये होगा कि विकास प्रासंगिक हो सकता है। अब प्रासंगिक का मतलब क्या होता है? देखिए, प्रासंगिक का मतलब होता है कि ये परिवेश से और आपके कल्चर से प्रभावित हो सकता है, आपके माता पिता के आचरण से प्रभावित हो सकता है, दुर्घटना से प्रभावित हो सकता है, और आपके रीति रिवाजों से, आपको बड़ा करने के जो तरीके हैं उससे भी आपका विकास प्रभावित हो सकता है। जिसमें सबसे कॉमन एक एग्जांपल मैं आपको देकर बताता हूं, मान लीजिए इसमें सबसे मेन चीज है कि जो आदमी की जो आर्थिक स्थिति होती है, क्या वो बच्चे के डेवलपमेंट को शेप करती है? बिल्कुल करती है यार, बिल्कुल करती है। रोटी कपड़ा और मकान नहीं होगा तो D++ सीटेट कहां सोचोगे आप? बिल्कुल नहीं सोच सकते। तो आर्थिक स्थिति, वी हैव टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल डेवलपमेंट को शेप करती है। उसके बाद आर्थिक स्थिति के बाद अगर मैं बात करें जेनेटिक्स, या अगर मैं बात करूं हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी तो डेवलपमेंट में बहुत तगड़ा रोल निभाती है। आपको हेरिडिटी की एक बात बता देता हूं, यहां पर जानकर हैरानी होगी काफी स्टूडेंट को, लेकिन मजा आ जाएगा। देखिए, बात करते हैं बुद्धि की। एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि, इंटेलिजेंस, उसकी जो लिमिट होती है उसको सेट कर देती है आपकी हेरिडिटी। यानी कि आप जितने भी हैं, आप जितने बुद्धिमान हो सकते हैं, उसकी लिमिट पहले से ही सेट हो चुकी है। लिमिट सेट करने में रोल होता है हेरिडिटी का, लेकिन आप उस लिमिट तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे वो डिसाइड करेगा आपका एनवायरमेंट। आपने देखा होगा 90% आदमी कि यार दिमाग तो बहुत था, कर नहीं पाया, मतलब लिमिट तो पहले ही सेट हो चुकी है हर एक आदमी की, इसको नहीं छेड़ सकते आप। मैंने भी सोचा था ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन है ऐसा।
लेकिन आप अपनी लिमिट तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे ये डिसाइड करेगा आपका एनवायरनमेंट। इसका मतलब आपकी तैयारी, आपकी बुद्धि, भेड़ चाल में फॉलो करना किसी को या नहीं, अच्छी जगह से पढ़ना या नहीं, एक्स वाई जेड चीज है। तो बुद्धि भी आप समझ गए। तो आपको बताया कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सारी चीजें अपने फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट कर देते हैं। ये तो हमने हेरिडिटी की बात कर ली। चलो अब एक और चीज मैं बता देता हूं जो हेरिडिटी के अलावा इफेक्ट करता है, और वो है आपका, कलर चेंज हो जाओ भाई पहले, यस, वो है रीजन। आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक तरफ है ब्लैक पीपल यानी कि अफ्रीकन लोग, और एक तरफ है व्हाइट पीपल जो यूरोपियन लोग होते हैं। अब आपको पता है इंडिया वालों का कल्चर, अब देखिए उनको कोई भी आदमी दिख जाए, चाहे वो स्विट्जरलैंड का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कहीं का हो, उसको अंग्रेज बोलेंगे। यानी कि इस वैसा दिखते ही अंग्रेज, तो हमारे लिए मान लो कि अंग्रेज है, ठीक है, क्योंकि इंडिया वालों की तरह सोच के बोल रहा हूं, भाई हम भी तो आप में से एक हैं। और एक तरफ है ब्लैक पीपल, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो डेवलपमेंट होता है ब्लैक पीपल का जल्दी होता है। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, जल्दी होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वहां के अंदर जो वहां का जो रीजन है, वहां का जो एरिया है, वहां की जो जलवायु है, वहां की जो जलवायु है वो भी डिपेंड करती है दोस्तों आपके विकास के ऊपर, ठीक है। चलिए, विकास की इतनी सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे अगले उस पर ले जाने वाला हूं। वहां पर जाते ही दोस्तों आप देखेंगे कि क्वेश्चंस की बाढ़ आती है वहां से सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए एंट्री मारते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो डेवलपमेंट होंगे वो अलग अलग तरीके से होंगे, उनकी रेट अलग अलग होगी अलग अलग अवस्थाओं में। जरूरी नहीं है कि फिजिकल, इफेक्टिव और साइको मोटर एक साथ डेवलपमेंट हो हर एक स्टेज में, ठीक है। और बच्चों के अंदर भी जैसा मैंने बताया था कि डेवलपमेंट करने की रेट अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी डेवलप करता है और कोई बच्चे को काफी टाइम लगता है डेवलप करने में। यानी कि कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। मान लीजिए एक औसत बच्चा यानी कि एक नॉर्मल बच्चा 3 शब्दों के वाक्य है, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें 3 वर्ड होंगे, 3 वर्ष में सीख जाता है बोलना, शुरू कर देता है नॉर्मल केस में। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे आपको देखने के मिलेंगे कि जो 2 वर्ष होने से पहले ही ऐसी चीजों में मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे भी देखे होंगे जो 2 साल के अंदर ही ऐसी चीजों को बोलना शुरू कर देते हैं और इवन इससे ज्यादा वर्ड को यूज करते हैं, आपने जरूर देखा होगा। जबकि आपने कुछ ऐसे भी बच्चे देखे होंगे कि जो 4 वर्ष की आयु होने पर भी पूरा वाक्य नहीं बोल पाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने कुछ ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो बड़े भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनको ये बोलने में दिक्कतें आती हैं। तो आपने क्या देखा? डेवलपमेंट कुछ तो सबका होगा, फिजिकल तो उन सबका होगा, मेंटल तो उन सबका होगा, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज में वो अलग हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे विकास के अंदर एक दूसरे से अलग मिलेंगे आप। ले देकर बात ये है आगे। अब यहां पर आपको विकास क्लियर हो चुका होगा क्योंकि मैंने आपको इतनी चीजें विकास के बारे में बता दी कि जब आपको वो चीजें अब मैं कराऊंगा जो आपको नॉर्मली कराई जाती हैं तो आपको लगेगा कि सर ये तो समझ में ही आ गई है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। क्लास में कितने स्टूडेंट अभी? 339। कोई बात नहीं, वो दिन भी लाएंगे जब 300 की जगह पर 3,000 होंगे। धीरे धीरे चलिए। अरे अब तो गर्मी आ गई है, अब तो ये भी नहीं है कि लेट हो रहा है ज्यादा, तो आप पढ़ सकते हैं इतना। आगे देखिए, अब बात करते हैं वृद्धि और विकास में अंतर की। यानी कि जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। आपने 2 चीज हमेशा देखी है, वृद्धि और विकास, उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है?
आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, वृद्धि को ग्रोथ बोलते हैं, विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वृद्धि को समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। हमेशा से यहां से क्वेश्चन आया है, आता है, आता रहेगा, इसको समझते हैं। देखिए, बच्चे के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको आप मेजर करते हैं। किस चीज में मेजर करते हैं? यूनिट के अंदर मेजर करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछें कि बच्चे के अंदर कितना चेंज आया है, तो आप माप कर बता देंगे, इतने सेंटीमीटर आया है, इतने किलो आया है, एक्स वाई जेड। यानी कि आप मेजर कर सकते हैं। ये बाहरी रूप से दिखते हैं, यानी कि आप इनको नेकेड आइज से देख सकते हैं कि हाँ भाई परिवर्तन आया है। जैसे कि सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, जब आप बचपन में छोटे थे, आपके कान पक गए होंगे, जैसे कोई रिश्तेदार आए या आप रिश्तेदार के घर चले गए, क्या बात है, बहुत बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब क्या था कि उन्होंने आपके डेवलपमेंट के अंदर उस एरिया को देखा है जो वो नेकेड आई से देख पा रहे हैं। तो डेवलपमेंट का वो एरिया जिसको आप काउंट कर पाए, वो ग्रोथ होता है। इसको आप क्या बोलते हैं? ग्रोथ। अब वो एरिया कौन सा होता है जिसको आप जो है काउंट कर नेकेड आई से देख पाए? आप बोलेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। तो आप फिजिकल डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक ही चीज समझ सकते हैं, यानी कि बच्चे के शारीरिक विकास को ही वृद्धि बोलते हैं। अब विकास के तीन पार्ट होते हैं, उसमें से एक पार्ट तो आप समझ गए कि फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको काउंट कर पाएंगे वो ग्रोथ होगा हमारा, ये आप समझ गए हो। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं ग्रोथ का। बेसिक कंसेप्ट तो आप समझ गए कि यह फिजिकल डेवलपमेंट का निकनेम है। फिजिकल डेवलपमेंट का क्या है? ये निकनेम। आगे देखिए, अब वृद्धि के अंदर ऐसे चेंज आएंगे जो परिमाणात्मक होंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव। आप समझ गए होंगे जिनको आप मेजर कर पाए, जैसे कि बच्चे की लंबाई, ऊंचाई। ओके, जो ग्रोथ होती है दोस्तों, उसकी स्टेजेस होती हैं और इसका क्षेत्र सीमित होता है। अब आप बोलेंगे इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्षेत्र सीमित होने का मतलब है कि ये एक टाइम के बाद रुक जाएंगे। आप बोलेंगे सो सैड, और क्या 10 फुट, अब तक तो ये रुकते नहीं, तो आप तो 10 फुट के हो गए होते। फिजिकल डेवलपमेंट रुकता नहीं, तो आप तो 10 फुट के हो गए होते अब तक, ये तो रुक जाता है। तो यानी कि जो इसका क्षेत्र होगा वो सीमित होगा। लेकिन आपने एक चीज देखी कि जो ग्रोथ होगी वो सीमित होगी, लेकिन जो डेवलपमेंट होगा, जो आप आगे पढ़ेंगे, यानी कि जिसके अंदर आपका मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल और इफेक्टिव तीनों आते हैं, वो असीमित क्षेत्र होगा। लेकिन ये कैसा क्षेत्र होता है? सीमित। वृद्धि कैसी होती है? लिमिटेड स्कोप होता है इसका। क्यों? क्योंकि ये रुक जाती है। कब रुकती है? मैच्योरिटी पर, जिसको आप क्या बोलते हैं? परिपक्वता। समझ में आ गई बात? आगे, और ये विकास का एक पार्ट होता है। ये तो अब आप मुझे एक बताओ, पूरी रामायण अगर मैं आपको सुना दूं, उसके आप बात आप पूछो सीता किसका बाप था, तो क्या सेंस बनता है? जब मैंने आपको बताया कि ग्रोथ फिजिकल डेवलपमेंट का निकनेम है, तो आपको पता नहीं क्या फिजिकल डेवलपमेंट विकास का एक भाग है? तो ऑब्वियसली बात हुई कि ग्रोथ भी उसका एक भाग हुआ। तो इतनी बातें तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। मैं आपके अंदर सोच डेवलप कर रहा हूं, वरना पॉइंट में सारी चीजें वैसे करा के निकल जाता या एमसीक्यू ले आता मैं। समझ रहे हो? सोचो, समझो चीजों को। तो ग्रोथ क्या होगा? डेवलपमेंट का पार्ट होगा, क्योंकि ये फिजिकल डेवलपमेंट है। अब देखिए, ये आजीवन नहीं चलती, ये मैच्योरिटी पर रुक जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये मैच्योरिटी कब आती है? अब आपके दिमाग में आएगा कि ये मैच्योरिटी कब आएगी, जब आपकी किशोरावस्था होती है, और उसके बाद जब आपकी प्रौढ़ावस्था होती है, उसके इंटरमीडिएट का टाइम होता है, जब आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता होना रुक जाता है। तो ये जो मैच्योरिटी होती है, ये किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच में आती है, सैंडविच के तौर पर। ये भी आप याद कर ले, समझ में आ जाएगी। चलिए आगे और चीज समझिए। बालक की अगर बालक की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है। लेकिन अगर बालक का विकास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बालक की वृद्धि हो रही है। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्यों? क्योंकि एक तरफ हमने लिख ली ग्रोथ, एक तरफ लिख लिया डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के तीन पार्ट है, उसमें से एक पार्ट ग्रोथ है, ठीक है।
तो डेवलपमेंट ग्रोथ हो सकती है लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो सकता, समझ में आ गए ना, क्योंकि ग्रोथ ऑटोमेटिकली ही डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो ये चीज भी आप याद रखें, सीटेट वाले इसको भी पकड़ते हैं। तो वृद्धि के बारे में आप काफी सारी चीजें समझ गए, अब विकास की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। विकास जी कहाँ हो, आप में से काफी लोग विकास भी होंगे, आपका नाम इतनी बार आ गया है, अब पूरे साल विकास ये नहीं बोलेंगे कि सर आपने हमारा नाम ले लिया, तो इतना तो रहम आप कर ही सकते हैं जितने भी विकास हैं। और एक चीज और भाई, जितने भी न्यू स्टूडेंट देखते हो, क्योंकि मुझे पता है 3 घंटे की लाइव चलेंगी, इधर उधर से बहुत स्टूडेंट मिलेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगेगा मुझे। चलिए 1 घंटा हो गया हमें, चलो पता नहीं लगा आगे। अब विकास भाई साहब को देखते हैं कि विकास क्या होता है, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चेंज करता रहना चाहिए यार, वरना बोर हो जाओगे आप। तो अब विकास भाई साहब को देखते हैं कि विकास क्या है। उससे पहले पानी पी लूं मैं, 1 घंटे के अंदर 1-2 घूंट पीनी चाहिए। चलो मैं अपने आप को गायब कर लेता हूं, क्योंकि मुझे खाना खाते हुए और पानी वगैरह पीते हुए दूसरों के सामने शर्म आती है। 1 सेकेंड रुक जाओ, वॉइस को भी म्यूट करूंगा, 1 सेकेंड बस, तब तक आप भी पी लो। चलिए जी आ गया मैं, इतना ही टाइम लगता है। चलिए जी दोबारा से काम पे लग जाते हैं। विकास क्या होता है, अब देखिए मैंने आपको बताया था, नाउ आई एम फाइन, मैंने आपको बताया था कि जो वृद्धि होती है दोस्तों, उसके अंदर आपको ऐसे चेंज मिलेंगे जिनको आप काउंट कर पाएंगे, लेकिन विकास के अंदर आपको ऐसे चेंज मिलेंगे जिनको आप काउंट भी कर सकते हैं और काउंट नहीं भी कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप बोलते हैं क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। अब आपने देखा कि इसके अंदर दोनों तरीके के चेंज आ गए, इसीलिए विकास की जो नेचर होगी, आपने देखी कि विकास की जो नेचर हुई वो काफी विस्तृत हुई, काफी बड़ी हुई, यानी कि दोनों तरीके के चेंज आ रहे हैं, तो ये जो कंसेप्ट हुआ ये काफी वास्ट है। और जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आप ये देखें कि ये जो क्वांटिटेटिव चेंज है ये फिजिकल डेवलपमेंट के हैं, जिनको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे के अंदर इफेक्टिव और जो बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उनके चेंजेस को आप नहीं देख पाते हैं। तो ये डेवलपमेंट के तीनों एरियाज इसके अंदर आते हैं, इसको होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो डेवलपमेंट इसका पार्ट नहीं है ग्रोथ का, ग्रोथ डेवलपमेंट की एक पार्ट है, तो ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है, ये भी समझ गए। और इसके अंदर चेंज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आते हैं, और विकास मैच्योरिटी के बाद भी चलता है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो मैच्योरिटी पर रुक जाती है, किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था के बीच में रुक जाती है, लेकिन विकास नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यूअस रहेगा, मैच्योरिटी के बाद भी चलेगा। अब बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, यानी कि ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट हो सकता है लेकिन डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती, आपको पता है भाई, डेवलपमेंट का पार्ट है। तो यहां पर आप विकास को समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मानव विकास की अवस्थाओं की, स्टेजेस की। यहां तक तो दोस्तों मैंने बाल विकास का पोस्टमार्टम कर दिया आपके सामने कि बाल विकास होता क्या है, 1 घंटे में बाल विकास के कंसेप्ट को आप समझ में, अगर अब तक देख रहे होगे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक और लेकर चलते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत लंबा टाइम स्पेन होता है, और स्टडी को इजी करने के लिए जो चेंजेस आते हैं उनको हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ अलग अलग टाइम फ्रेम में तोड़ दिया है, ताकि हर एक टाइम फ्रेम के अंदर जो चेंजेस आए हैं
उनकी स्टडी की जा सके। क्योंकि आपको पता है कि बच्चा तीनों क्षेत्रों में डेवलपमेंट करता रहता है और यह विकास निरंतर चलता है। ओके, इसीलिए इस स्टडी को काफी डीप स्टडी करने के लिए, यानी कि जो डेवलपमेंट की जो जर्नी होती है उसको काफी डीप स्टडी करने के लिए उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। वैसे तो इसको ओवरऑल 7 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। अब 7 टुकड़े क्या होंगे? अब देखिए यहां पर मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। देखो, समझिएगा, आप में से 99% स्टूडेंट की ये दिक्कत रहती है अवस्थाओं के बारे में कि टाइम पीरियड क्या है। अब देखो दोस्तों कि जब बात हुई स्टेजेस की, तो अपने दिमाग में एक चीज अभी से सेट कर लो कि ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। साइकोलॉजी के अंदर जितने भी ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, अलग अलग घरानों के, उनकी सोच अलग थी, तो वो किसी चीज पर एक मत तो हो ही नहीं सकते। अब ये स्टेजेस फिक्स नहीं है। अब आप बोलेंगे फिक्स नहीं है तो हम क्या करें, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। एक मनोवैज्ञानिक है हरलोक, दूसरे आपके मनोवैज्ञानिक, एक तो हरलोक की थी रॉस, वो अलग मानते हैं, अलग अलग स्टेजेस मानते हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक। आप ये चीज अपने माइंड में फिट रखिएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों मानव विकास की, तो उसके अंदर 7 स्टेजेस आएंगी। ये जो 7 स्टेजेस आएंगी, ये होगी जन्म पूर्व अवस्था से लेकर आपकी मृत्यु तक। लेकिन हमें तो सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करनी है, इसीलिए हम इन 7 को नहीं पढ़ते। सीटेट के अंदर और चाइल्ड डेवलपमेंट की इस स्ट्रीम के अंदर हम 7 स्टेज को नहीं पढ़ते। अब आप बोलेंगे कितनी स्टेज को पढ़ेंगे, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां पर भी लफड़ा है, यहां पर भी स्टूडेंट को लफड़ा है। और वो लफड़ा क्या है मैं आपको बता देता हूं। अब दिक्कत ये है कि जब आप स्टडी करते हो जन्म पूर्व अवस्था से, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया और मान लीजिए आपको बताया गया कि किशोर अवस्था तक स्टडी करनी है, तो यहां से लेकर यहां तक की स्टेजेस के बीच में भी मनोवैज्ञानिकों की एक राय नहीं है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग स्टेज दी है। अब आप बोलेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, 90% अलग सोच के थे, 10% अलग सोच के थे। अब कैसे थे मैं आपको बता देता हूं। ये 90% सोच वाले बुक के हिसाब से हैं, बुक्स जितनी भी आप देखेंगे, और 10% हैं हमारे सीटेट के एग्जाम वाले, हमारे DSSSB के एग्जाम वाले। अब आप बोलेंगे कैसे? अवस्थाओं को देख लेना, बुक्स के अंदर आपने जन्म पूर्व अवस्था को आप नहीं पढ़ते हैं, इसके जगह पर आप शैशवावस्था को पढ़ते हैं। यहां से जन्म पश्चात अवस्था से स्टडी आप शुरू करते हैं। बुक्स के अंदर जो आप मेनली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी बोला जाता है, उसके बाद बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था। वहीं हमारे एग्जाम्स के हिसाब से शैशवावस्था, दूसरे पर बाल्यावस्था, तीसरे पर किशोरावस्था। अब आप बोलोगे सर इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ, ये तो बराबर हुए। रुक जाओ, नाइंसाफी होना भी बाकी है मेरे दोस्त। नाइंसाफी कहां हुई? ये मानते हैं बाल्यावस्था को 0 से 6 साल, ये 0 से 6 मानते हैं, ये मानते हैं 6 से 12 और ये मानी जाती है 12 से 18। लेकिन सीटेट में सिस्टम अलग है, टेट एग्जाम्स में, इसमें शैशवावस्था को 0 से 2 माना जाता है, 2 से 12 या 3 से 12 माना जाता है, और यहां पर 12 से 18 माना जाता है। यानी कि किशोरावस्था दोनों ने सेम मानी, दिक्कत आ रही है शैशवावस्था और बाल्यावस्था के टाइम पीरियड में, आप लोगों ने हमेशा देखी होगी। अब ये दिक्कत पैदा क्यों हुई?
ये मैं आपको समझाता हूँ और आपको मानना क्या है। अब देखिए अवस्थाओं को डीपली समझना है तो ये ऐसे आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो यहां पर एक चीज आप अपने दिमाग में बैठाओ कि देखो जब हम स्टडी करते हैं तो इनको थोड़ा सा टाइमलाइन में तोड़ देते हैं अवस्थाओं को। पहली है हमारी शैशवावस्था, फिर बाल्य, फिर किशोरा। बाल्यावस्था के दो पार्ट हैं, एक है पूर्व बाल्यावस्था ये, और एक है उत्तर बाल्यावस्था। ये मैं सीटेट और टेट एग्जाम वालों की वो बता रहा हूं। यहां पर ये डिफरेंस है दोस्तों। अब इसमें जो टाइम बांटा गया है दोस्तों वो ये बांटा गया है जो आपको मानना है। सबसे पहले तो वही बताऊंगा जो मानना है। शैशवावस्था को आपको 0 से 2 मानना है, इसको 2 से 7 मानना है, इसको 7 से 11 मानना है, और इसको 12 से 18 मानना है। ऐसे होता है। लेकिन दिक्कत ये आई कि जो दूसरी पार्टी है, बुक्स वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो शैशवावस्था को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। वो ये जो शैशवावस्था है वो क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये 0 से 6 क्यों लिखते हैं, उसके पीछे मेन रीजन दोस्तों ये है कि इन्होंने शैशवावस्था को 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है। इन्होंने शैशवावस्था को एक तो पूर्व शैशवावस्था और एक उत्तर शैशवावस्था में तोड़ा हुआ है। फिर इनके अनुसार दूसरी होती है बाल्यावस्था और तीसरी होती है अपने वाली वो किशोरावस्था, जो सेम है। अब यहां पर पूर्व शैशवावस्था को 0 से 2 मानते हैं, और ये जो 2 से 7, ये जो उत्तर शैशवावस्था है, ये यहां पर पूर्व बाल्यावस्था होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर पूर्व और उत्तर का कंसेप्ट नहीं मानते हैं। ये शैशवावस्था को पूर्व और उत्तर का मानते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। लेकिन जो बुक्स होती हैं वो पुराने पैटर्न पर ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है। जो आजकल भी लिखते हैं वो 10 बुक्स में से इधर उधर कॉपी पेस्ट करके छपवा देते हैं, दुनिया जग जा ही रहा है यार, इतनी मोटी बुक है, समझ रहे हो। तो उसके बाद आपको एक चीज पता होगी, जो मानना है आपको वो वही मानना है, ये चीज नहीं माननी। लेकिन ये डिस्प्यूट क्यों था वो भी आप समझ गए होंगे। तो आपको स्टेज जो गिननी है वो 3 गिननी है, 0 से 2 शैशवा, 2 से 6 या 2 से 7, 2 से 7 पूर्व बाल्यावस्था, 7 से 12 उत्तर बाल्यावस्था, और फिर किशोरा 12 से 18। ठीक, क्लियर है सब कुछ। चलिए, इसीलिए जो आपकी जो स्टडी होगी बाल विकास की, उसमें 3 अवस्थाएं ही महत्वपूर्ण है, 3 अवस्थाएं जो मैं आपको बता चुका हूं। ये मैंने आपको स्टेजेस के बारे में अभी बताया, अब मैं लर्निंग के बारे में आपको बताऊंगा। अब हर एक अवस्था में, ये तो आप विकास के बारे में समझे यहां पर कि विकास होता क्या है, स्टेज में होता है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो हम दूसरी मेगा क्लास में देखेंगे, लेकिन यहां तक आपको डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डेवलपमेंट होगा उसके साथ लर्निंग कैसे जुड़ी हुई है, यानी कि शैशवावस्था में आप क्या क्या चीजें सीखेंगे, बाल्यावस्था में दोनों पार्ट में क्या क्या सीखेंगे, किशोरावस्था में क्या क्या सीखेंगे। अब हम इसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते आई होप कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। कल की नहीं, एक दिन का गैप करके यार 3-3 घंटे क्यों खड़े करवा रहे हो भाई, नहीं हो सकता 3-3 घंटे डेली खड़ा। तो क्या करेंगे, एक दिन का गैप लेंगे मेगा क्लास में, फिर उसमें जितनी भी लर्निंग की थ्योरी होंगी, XYZ, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, स्किनर, उसके बाद आपकी XYZ, इरिक्सन, वो सारी एक ही क्लास में करवा दूंगा आपकी। कहां पर अलग अलग वीडियोस भी बना दूंगा बाद में, लेकिन एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा इन 10 मेगा क्लास में जो आप एग्जाम में देखते हो और उसके बारे में आप नॉलेज ना रखो। अब एक सबसे बढ़िया तरीका ये होगा कि जब भी आप ये पूरी क्लास देखो ना, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मेरा तरीका क्या होता है, मान लो मैं एक रजिस्टर उठा लेता और जो भी चीज मैं अभी बोल रहा हूँ और जो आपको लग रहा है कि भाई जरूरी इंपॉर्टेंट बात बोल दी, चाहे मैं समझा रहा हूँ चाहे स्क्रीन पर लिखी हो, तो आप उसको नोट डाउन कर दें। कई लोग स्क्रीन शॉट लेते रहेंगे, सोचेंगे बाद में देख लेंगे, वो बाद का टाइम नहीं आएगा, बाद में आप सिर्फ किताबों की तरफ भागोगे। मेट्रो स्टेशन में भी लास्ट तक बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो क्या करें आप, लिख लें इन चीजों को। तो अब लर्निंग को डीपली समझते हैं।
अधिगम क्या होता है? देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। जैसे डेवलपमेंट लगातार चलता है थ्रू आउट लाइफ, ऐसे ही आप सीखते रहते हैं और आप नया ज्ञान अर्जित करते रहते हैं और आपके व्यवहार में चेंज आता है। और आप जैसे ही पैदा होते हैं उसके बाद से ही सीखना शुरू कर देते हैं और जो ये लर्निंग होती है ये व्यक्ति के डेवलपमेंट को इजी बनाती है, डेवलपमेंट में सहायता करती है। और आप लर्निंग इसलिए करते हैं ताकि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। अब ये तो हुई बुकिश लैंग्वेज, जिसके अंदर भी आपको समझ में आ गया होगा मैंने जिस तरीके से बोला, लेकिन अब मैं बताता हूं व्हाट इज द रियल डील, लर्निंग होती क्या है। देखिए ह्यूमन का ये नेचर है कि आदमी को जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं होगी वो कोई चीज सीखेगा नहीं, ये आप मानते हो, यहां तक आप सोचते हैं, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा आप ये सोचेंगे कि लर्निंग क्यों होती है, क्योंकि आदमी को नीड हुई, ठीक है। लेकिन मामला इससे थोड़ा सा नीचे है जो आपको समझना पड़ेगा। मामला ये है कि नीड क्यों उत्पन्न हुई। देखिए किसी भी आदमी को किसी भी चीज की नीड इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि उसे अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है। तो डार्क रियलिटी क्या है कि एक्स वाई जेड कोई भी आदमी है वो जब जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु होती है उसके सामने ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। मान लीजिए मैं पैदा हुआ, मेरे सामने नीड आई कि मुझे सर्वाइव करने के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करने के लिए भाषा सीखनी पड़ेगी, तो मेरे अंदर कुछ इंटरनल शक्तियां थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस था, यूनिवर्सल ग्रामर थी और मैंने पहली भाषा सीख ली और मैं 2 साल तक सारी अपनी भाषा सीख गया। अब उसके बाद मुझे जरूरत हुई कि यार मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी क्योंकि यार सारे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे हैं। अब जरूरी तो नहीं था लेकिन एनवायरमेंट में जरूरत हुई, नीड उत्पन्न हुई मुझे कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, दूसरी भाषा सीखनी है, या फिर दूसरे बच्चे साइकिल चला रहे थे तो मुझे साइकिल चलाना सीखना है, क्यों? क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है। या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, आपको नीड है, लेकिन बात नीड की नहीं है, बात है एनवायरमेंट में एडजस्ट करने की। आपने गाड़ी चलानी सीखी, क्यों सीखी? आपको नीड थी? नहीं, नीड नहीं थी आपको, आपको एडजस्ट करना था अपने एनवायरमेंट में। तो लर्निंग के पीछे पर्पस होता है एडजस्ट करना, और आदमी एडेप्ट करता रहता है और एडेप्ट करने के लिए वो अपनी नॉलेज का यूज करता है। अब देखो मैं आपको कितनी डीप चीजें बता रहा हूं, नॉलेज का यूज कैसे करता है। मान लो मेरे सामने एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक मोबाइल दे दिया आपने और ये बोला कि देख यार ये ठीक नहीं हो रहा, ये चल नहीं रहा यार, ये इसकी स्क्रीन ब्लिंक हो रही है, या नेटवर्क छोड़, मान लो ये उसने बोला कि ये स्क्रीन ब्लिंक हो रही है, ये ब्राइट नहीं हो रही, और तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आई तो आप अपना दिमाग लगाओगे कि भाई मैं देखता हूं। तो मैंने चेक किया उसको और वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल था, यानी कि मुझे नहीं पता लगा ऐसा क्यों हो रहा है। अब फिर मैंने देखा कि मुझे थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी आती थी, मैंने पेच वेच खोले, आईसी वाईसी चेक करी, वो भी दोबारा करके देखा, वो भी ठीक नहीं हुआ। तो अब अगर मुझे वो ठीक करना है तो मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी। तो आप कोई चीज क्यों सीखते हो? जब कोई नई सिचुएशन आपके सामने आती है और आपके वे कंट्रोल में सिचुएशन नहीं रहती, आपकी एग्जिस्टिंग स्कीमा जो होती है उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती, आप मेंटली फिजिकली और इफेक्टिवली इतने डेवलप नहीं हुए होते कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इसलिए आपको एडेप्ट करना पड़ता है। चाहे आपने कोई भी चीज सीखी हो, एडेप्ट करने के लिए ही सीखी होगी। खाना बनाना क्यों सीखा? बच्चों का पेट पालना है, सीधी सी बात है। नीड थी? नीड तो थी, लेकिन एनवायरमेंट में अडेप्ट करना था। तो थ्रू आउट लाइफ व्यक्ति एनवायरमेंट में अडेप्ट करता है, अपना डेवलपमेंट करता है, नई नई चीजें सीखता रहता है। तो ये जो लर्निंग होती है उसके पीछे मेन चीज नीड नहीं होती, एनवायरमेंट में अडेप्ट करना होता है। और लर्निंग के अंदर जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो उसके अंदर वो चेंज परमानेंट आता है, ठीक है, परमानेंट चेंज। जैसे कि आपने साइकिल चलानी सीखी तो 2 साल के बाद भी आप साइकिल चला लोगे अगर आपको 2 साल साइकिल चलाने के लिए ना दी जाए, ठीक है, तो कोई टेम्परेरी चेंज नहीं होते। तो ये था लर्निंग का कंसेप्ट, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं मनीष सिसोदिया होता तो जरूर बता देता कि जुलाई में एग्जाम होगा या नहीं, भगवान कसम।
लेकिन नहीं हो तो मुझे पता नहीं है। ये समझ में आया या नहीं पहले मुझे ये बताओ। जल्दी बताइए यहां तक आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है लर्निंग का, वरना आप लर्निंग बिहेवियर में चेंज ये वो ये वो ये बुकिश लैंग्वेज में घूमते रहते हो ज्यादातर स्टूडेंट। सर थोड़ा ब्रेक दे दो बीच बीच में। नेहा यादव BREAK। चलिए दोबारा पढ़ाई को शुरू करते हैं, यही ब्रेक है हमारा। आगे देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये चीजें समझाई और आपके सामने मैंने ये लाइन हाईलाइट की। अभी क्या हाईलाइट की कि अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है, यानी कि व्यक्ति एडजस्ट कर लेता है लर्निंग करने के बाद। ओके, एडजस्ट करने के लिए रटकर विषय वस्तु को याद करना लर्निंग नहीं कहा जा सकता, यानी कि लर्निंग कांट बी रोट। लर्निंग तीन चार तरीके की होती है और ये कहना नहीं चाहिए दोस्तों, यहां से क्वेश्चन भी नहीं आता कि सीखने के कितने प्रकार होते हैं। और जो सीखने के जो प्रकार होते हैं ना दोस्तों, उनको टाइप्स बोला जाता है, उनको काइंड नहीं बोला जाता। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, टाइप्स ऑफ लर्निंग होते हैं अलग अलग तरीके के। मीनिंगफुल लर्निंग होता है, रोट लर्निंग होता है, पर्पसफुल लर्निंग होता है, बहुत तरीके से लर्निंग करना होता है। और ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, तो इसको बेस बनाकर आप सीटेट में 120 दे सकते हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस देखें, बकवास। अधिगम आप रटने को नहीं कह सकते, लर्निंग हमेशा मीनिंगफुल होगी। मीनिंगफुल यानी कि उसका कोई पर्पज होगा। मान लीजिए आप गाड़ी चलाना सीखने जा रहे हो तो आपका एक पर्पज है ना, उसका कोई एम है ना। बिल्कुल है। आप यहां पर क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपका एम है कि आपको CDP आनी चाहिए, आपको एग्जाम क्लियर करना है XYZ टेट एग्जाम, तो इसलिए पढ़ रहे हो। लेकिन रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, समझकर ही आपको जो है चीजें करनी पड़ेगी, रोट लर्निंग को नहीं मानेंगे। अब आप कैसे बताएंगे कि मीनिंगफुल लर्निंग हुई है या रोट लर्निंग हुई है? अगर किसी भी सीखी हुई चीज को आप अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर पाए तो। अब मान लीजिए किसी बच्चे को चार का पहाड़ा यूज है, चार का पहाड़ा आता है, और आपने बच्चे को 16 टॉफियां दी और बोला कि बताओ बेटा ये 4K टेबल में कितने पे आएंगे। जिसको आती है, जिसने मीनिंगफुल लर्निंग की, तो बोलेगा यार 4 times 4 into 4 60। लेकिन जिसने रोट लर्निंग की थी वो इस रियलिस्टिक सिचुएशन में फंस जाएगा। उसको जब तक आप नहीं कहेंगे 4 into 4 या 4 4 जा 4, या हमारी भाषा में 4 चौके कितने होते हैं, तब तक वो आंसर नहीं देगा। तो ये होती है रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग को ही आप लर्निंग मानेंगे। ओके, चलिए जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि जो देखिए दो चीजें होती है, एक होती है लर्निंग, एक होती है कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। देखिए आपको एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पर आपको थोड़ा सा लर्निंग के साथ साथ टीचिंग के बारे में भी एक चीज बताता हूं। देखिए लर्निंग और टीचिंग तीन लेवल पर होती है, ये पढ़ाने वाली चीज है काइंडनेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग और टीचिंग देखिए तीन स्तर पर होती है, यानी कि इनके लेवल तीन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं स्मृति, अवबोध, रिफ्लेक्टिव को चिंतन या फिर मनन। आपको टीचर तीन तरीके के मिलेंगे या बच्चे तीन तरीके से सीखते हुए मिलेंगे। ये टीचिंग और लर्निंग के तीन लेवल होते हैं लर्निंग के। पहला होता है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहां पर स्टूडेंट और टीचर आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। यहां पर बहुत ज्यादा मिलेंगे, और यहां पर मिलेंगे आपको 50%।
यहाँ पर 40% और यहाँ पर सिर्फ 10%, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको ये समझाता हूँ। हाइलाइटर ले लूं मैं, नहीं वैसे हाइलाइटर ले लेता हूं। हाँ जी देखिए, मान लीजिए एक टीचर ने बच्चे को बताया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, या फिर एक बच्चे ने एक जगह पर पढ़ा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो जब टीचर ने उसे पढ़ाया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, या जब उसने पढ़ा खुद कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो उसने ना तो समझा और ना ही उसके बारे में कुछ सोचा, सिर्फ रोट लर्निंग की। ये जो रोट लर्निंग आती है ना दोस्तों, या ये रोट लर्निंग आती है, ये रोट लर्निंग इसके अंदर ही आती है जब आप सिर्फ किसी डाटा को अपने अंदर इनपुट करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि टॉप 10 फैक्ट्स या ये कुछ करके आपको एक एक बता देते हैं, चीजें रटवाई जाती हैं आपको। तो रोट लर्निंग होती है स्मृति स्तर, यानी कि ऐसा टीचर आपको पढ़ाता हो कि जो सिर्फ आपको चीजें रटवाता हो, या आप ऐसे पढ़ते हो कि आप सिर्फ चीजें रटते हो कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है, 10 विधियां निकाल ले उनको रटने लगे। ऐसे नहीं होता, उन 10 विधियों को पढ़ोगे तो अपने आप समझ जाओगे, नाम आते हैं कि ये विधि किसकी थी। तो ये मेमोरी लेवल वाले होते हैं। तीसरा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, सेम क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी क्यों है। अब एक और टीचर आया, वो पहले वाले से अच्छा है, या एक दूसरा स्टूडेंट है वो पहले स्टूडेंट से अच्छा है, उसने ये समझा कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी क्यों है, क्योंकि भाई वहां पर इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इमारतें बनी हुई हैं, संसद भवन वहां पर है और काफी डेवलप्ड है और बहुत सारी चीजें इसको फेवर करती हैं। तो एक टीचर ऐसे पढ़ाता है तो बच्चे भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, मैडम मैडम आपके चरण कहाँ हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, भारत की राजधानी दिल्ली के अलावा क्या हो सकती है। अगर कोई टीचर इस तरीके से बच्चों को लायक कर देता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, उसे ये भी पता है भारत की राजधानी दिल्ली क्यों है, ये भी पता है, और भारत की राजधानी दिल्ली के अलावा क्या और हो सकती थी, अगर कोई बच्चा खुद पढ़ते पढ़ते ये सोच जाता है तो रिफ्लेक्टिव लेवल पर है। अगर कोई टीचर, मान लो सीडीपी है, सीडीपी क्या है, रटवाने पे आ गए तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग कर रहा है। किसी कंसेप्ट को सिर्फ समझा दिया, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, और उस लेवल की आत्मा को समझाकर अगर उस चीज में ये हो सकता है वो हो सकता है, बच्चे अपना खुराफाती दिमाग भी चला पा रहे हो, वो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। अब जब रिफ्लेक्टिव लेवल पर चाहे टीचिंग हो चाहे लर्निंग हो, तो एक चीज उत्पन्न होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या हुआ, क्या चीज ठीक है क्या चीज गलत है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी कहा जाता है, खुद को जज करना, दुनिया को जज करना, कोई चीज क्यों हुई कैसे हुई, कोई है तो क्यों है। जैसे कि आपने देखा आलोचनात्मक चिंतन क्यों कहा गया, जैसे कि मान लीजिए भारत की राजधानी दिल्ली थी, तो दिल्ली है राजधानी क्यों है ये भी पता है, और कौन सी भी हो सकती है, यानी कि आप आर्गुमेंट भी कर सकते हैं उस चीज पर। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ही पैदा करनी होती है बच्चे को, खुद भी लर्निंग के द्वारा और टीचर को टीचिंग के द्वारा। ना तो कोई चीज रटवानी है ना कोई चीज समझानी है, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी होती है। तो लर्निंग और टीचिंग का भाई ये लेना देना है, और सीटेट के बारे में ये टॉपिक आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, दिस इज दी हार्श रियलिटी। क्योंकि आप तैयारी जो करवाई जा रही है आपको, और तैयारी जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, यहां की बात नहीं कर रहा जो डेली व्यूअर है, तो ट्रेंड ही ऐसा है। ठीक है, समझ में आई चीजें कि लर्निंग टीचिंग के बारे में यहां पर। ओके चलिए, अब आपको लर्निंग के काफी चीजें समझ में आ गई कि लर्निंग क्यों होती है और इसका कंसेप्ट क्या है। अब मैं इसकी कुछ परिभाषाएं बताऊंगा, क्योंकि आप सीटेट वाले के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते कि लर्निंग से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से एक परिभाषा का भी आएगा कि किसने क्या कहा है। तो तीन परिभाषाएं मेन है जो मैक्सिमम टाइम पूछी गई है, तो हम तो सिर्फ उन्हें कंसंट्रेट करेंगे। तो ये तीन परिभाषाएं कौन सी है, सबसे पहली है गेट्स की परिभाषा। गेट्स ने कहा था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, यानी कि जब आप प्रैक्टिस के द्वारा लर्निंग
प्रैक्टिस के द्वारा अपने बिहेवियर में चेंज लाते हो, तो उसको लर्निंग कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा था इसको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको परिभाषा किसकी है ये याद रखना है। तो ड्यू टू प्रैक्टिस चेंज इन बिहेवियर, ये गेट्स ने कहा। उसके बाद एक है EAPL, इसके अनुसार जो लर्निंग होती है वो व्यक्ति के अंदर ऐसे चेंजेस हैं जो उसके एनवायरमेंट के कारण आते हैं, ये ऐसा इसने कहा। और तीसरे थे क्रो एंड क्रो, ये मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूं अभी, ये आप लोगों को जो परिभाषाएं होती है ना ये समझाने की नहीं होती, ये मैं आपको कौन से लेवल की टीचिंग कर रहा हूं, आप कौन से लेवल की अंडरस्टैंड वो कर रहे हो अभी इस स्लाइड के ऊपर, इसके अंदर आप मेमोरी लेवल पर जा रहे हो, क्योंकि ये जो परिभाषाएं होती है ना उसमें आपकी लर्निंग का अप्रोच भी मेमोरी लेवल पर ही होगा और मेरी टीचिंग का अप्रोच भी लर्निंग पर होगा। कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि गेट्स ने ऐसी परिभाषा क्यों दी, सिर्फ ये पूछा जाएगा ये परिभाषा किसकी है, तो ये मेमोरी लेवल का है। तो तीसरा था क्रो एंड क्रो का, इसका मतलब ये है कि लर्निंग से आदमी अपनी हैबिट्स की फॉर्मेशन करता है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि सीखना आदतों का, ज्ञान का यानी कि हैबिट्स का, नॉलेज का और अभिव्यक्ति आपके एटीट्यूड का क्या है, मतलब कि रिजल्ट है, सीखने का ही रिजल्ट होता है ये। ठीक है, आप क्या करते हैं, क्रो एंड क्रो ने कहा कि जब भी आप कोई चीज सीखते हैं उससे आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी हर्डल को दूर करने की कोशिश करते हैं, आप एडजस्टमेंट करने के लिए सीखते हैं। ठीक है, और व्यवहार में आप चेंज करते रहते हैं, अपने अंदर चेंज लाते रहते हैं एनवायरमेंट के हिसाब से। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए कोई बच्चा था, आपने देखा जीन प्याजे का कंसेप्ट समझते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसके हिसाब से भी चलो ऐसे ही समझ लो कि मान लो एक बच्चा था, वो अपने घर में जैसी एंट्री मारता था किसी भी कमरे में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कहीं भी जा सकते, रोक टोक नहीं थी, लेकिन उसका स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ और जैसे ही वो अंदर गया, बोला अंदर गया, मैडम ने बोला कि जब भी आप एंट्री करोगे आप बोलोगे मे आई कम इन मैम, तो बच्चे ने वो 2-3 दिन के बाद वो चीज नहीं सीखी। तो आपने देखा कि बच्चे को एडजस्ट करना पड़ा नई सिचुएशन में, इसीलिए उसने सीखी वो चीजें। तो एडजस्टमेंट करने के लिए ही आप सीखते हैं, समायोजन करने के लिए। और जैसे जैसे कुछ, जैसे कि आप, ये तो स्कूल की बात थी, ऑफिस में जाने के बाद आप कितनी चीजें सीखते हैं, अब आप नहीं गए होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे, लेकिन जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप काफी सारी चीजें नहीं सीखेंगे। तो आप व्यवहार में चेंज लाएंगे और वो कोई गोल ओरिएंटेड होगा, परमानेंट होगा। तो ये तीन परिभाषाएं हैं जो आपको मेन मेन याद रखनी है, गेट्स की, ईए पील की और क्रो एंड क्रो की, सिर्फ ये तीन परिभाषाएं आप याद रखेंगे। थैंक यू सो मच यार। अब जो नए स्टूडेंट है वो लाइक करते रहें बस और पुरानी वीडियोस देख ले। चलिए मत हो स्लिप भाई फोन, अब आएगा मजा, क्योंकि अब जो मैं आपको चीजें करवाऊंगा आगे उसमें आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि काफी रिलेट कर पाएंगे आप जो चीजें देखते हैं एग्जाम में उससे, क्योंकि आपके तीनों अवस्थाओं में जो जो चीजें होती हैं अब उसको करते हैं कि तीनों अवस्थाओं में बच्चा क्या क्या चीजें करता है। अब देखिए यहां तक आपने दो चीजें समझी, अगर आपने दिमाग लगाया हो तो मैंने आपको यहां पर दो चीजें समझाई। पहला तो मैंने आपको यहां पर विकास समझाया कि क्या होता है, और अब तक जो मैंने अभी पढ़ाया है परिभाषाओं तक, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि आपका सीखना क्या होता है। अब मैं बताऊंगा कि विकास और सीखने के अंदर रिलेशनशिप क्या है, वो कैसे समझेंगे आप। वो ऐसे समझेंगे दोस्तों कि अगर आपको समझाया जाए, सोचने समझने की बात है, अगर आपको समझाया जाए कि जो पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, उसके अंदर आप क्या सीखते हैं, बाल्यावस्था के अंदर बच्चा क्या क्या सीखता है और किशोरावस्था के अंदर क्या क्या सीखता है, अगर ये आपको बता दिए जाए तो ऑब्वियस सी बात है विकास के कंसेप्ट को समझने के बाद, सीखने के कंसेप्ट को समझने के बाद, इनकी रिलेशनशिप का कंसेप्ट भी आप समझ जाएंगे, है ना भाई। चलिए भाई, 10 क्लास के अंदर ये मैं पूरा सिलेबस आपका क्लियर कर दूंगा, तो ये मत बोलो 2 घंटे 1 घंटे, अब जितना टाइम लग रहा है लगने दो।
आगे देखिए, सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था का लर्निंग से क्या लेना देना है, यानी कि इन्फेंसी में किस तरीके की लर्निंग होती है। देखिए इन्फेंसी बुकिश लैंग्वेज में क्या मानी गई है, 0 से 6, लेकिन यहां पर शैशवावस्था को आप मानेंगे 0 से 2 वर्ष। क्या मानेंगे, 0 से 2 वर्ष मानेंगे। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आप नोट डाउन कर लीजिए, ब्लैक स्क्रीन पर चलते हैं वहां पर अच्छे से समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 0 से 2 माने, 2 से 4 माने, क्या माने। तो यहां पर देखो आप, यहां पर आप समझ जाओगे। जय श्री राम। देखिए जो दोस्तों शैशवावस्था होती है ना, उसको आप मानते हैं 0 से 2, और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपका जो डेवलपमेंट होता है वो होता है रैपिड, यानी कि फास्ट, यानी कि तेज, और इसके अंदर बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। इसके अंदर जो लर्निंग होती है दोस्तों वो रैपिड, बहुत तेज होती है। अब आप बोलेंगे कैसे तेज होती है, क्योंकि दोस्तों इसके दौरान बच्चा इमिटेट करके सीखता है। क्या करके सीखता है, इमिटेट, इमिटेट करके सीखता है। अब आप बोलेंगे कि इमिटेट करके सीखना तो सबसे घटिया होता है, आप ये सोच रहे होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि इमिटेट करके सीखना सबसे बेस्ट होता है, अगर आप बच्चे की नजरिए से देखें तो। क्यों, क्योंकि इमिटेट करके बच्चा भाषा सीखता है, यानी कि लैंग्वेज सीखता है। अब आप बोलेंगे कैसे, अब देखो एक चीज बताओ, आप में से मैक्सिमम बच्चों को हिंदी भाषा आती होगी, वो आपने इमिटेट करके सीखी थी 2 साल तक, लेकिन उसके बाद आप आज तक इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। अब देखिए आपको आती होगी मैंने मान ली, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जैसे कि मान लो आप अपनी पहली भाषा में जैसे बात कर रहे हो, तो आपको नेक्स्ट सेंटेंस बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता, जैसे कि आप लगातार बोल सकते हो आपके, लेकिन जब आप सेकेंड लैंग्वेज बोलने लगोगे, ईमानदारी से बोलो, नेक्स्ट सेंटेंस बोलने से पहले किसी को बहुत सोचना पड़ता है, किसी को माइक्रो फ्रैक्शन सेकंड सोचना पड़ता है, लेकिन सोचना जरूर पड़ता है, अंदर से नहीं निकलती। समझ में आ रही हो बात, इतना फर्क होता है, और थ्रू आउट लाइफ भी आप नहीं सीख पाते। क्यों, क्योंकि आप उसे प्रैक्टिस से सीखते हैं, तो इतना फर्क होता है दोस्तों। और जब आप ये जो अपनी पहली भाषा सीखते हो, क्या मजाल है कि आप इसमें थोड़े से भी चूक जाओ, हर एक सिचुएशन में एक से एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करना जानते हो, दूसरी लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्मेशन में ही वे घिसे पिटे चीजें बोलने लग जाओगे। तो याद रखना हमेशा कि इसके अंदर जो इमिटेट करके जो सीखना होता है, इसी की वजह से काफी रैपिड, काफी तेज लर्निंग होती है, और इसी के अंदर दोस्तों आप भाषा को सीख लेते हैं। अब देखिए भाषा को आप सीखते हैं एक्विजिशन के द्वारा। एक्विजिशन और लर्निंग में क्या फर्क होता है, ये मैं आपको जब मेगा क्लास पेडागोजी की लूंगा, आप देखिए हर सब्जेक्ट की पेडागोजी की भी ऐसे मेगा क्लास ले लूंगा 3-3 घंटे, लेकिन शुरुआत में सारी चीजें खिड़ाना ठीक नहीं है। शुरू में सीडीपी को 10 क्लास के थ्रू हम क्लियर कर लें, उसके बाद हो जाएंगी आपकी बातें। तो इसके अंदर रैपिड लर्निंग होगी, ये बात आप सीख गए, और इसके अंदर दोस्तों दोहराने की प्रवृत्ति होगी, याद रखना दोहराने की प्रवृत्ति, यानी कि रिपीटिशन आपको देखने को मिलेगा। इसकी दूसरी खास बात क्या होगी, रिपीटिशन यानी कि दोहराने की प्रवृत्ति। अगर आपसे पूछे दोहराने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा होगी, तो आपको आंसर देना पड़ेगा क्या, आपको आंसर देना पड़ेगा शैशवावस्था। अब और भी बहुत सारे चीज सीखता है बच्चा इसमें, इसमें दोहराने की प्रवृत्ति भी बच्चे के अंदर सीखने के अंदर मिलती है शैशवावस्था में। उसके बाद बच्चा इसके अंदर अगर बात करें सामाजिकरण की, या अगर बात करें सोशलाइजेशन की, वो नहीं सीखता।
सोशलाइजेशन बच्चे के अंदर शून्य होता है, अंडा। मोरालिटी बच्चे के अंदर बिल्कुल नहीं होती, कोई भी मौलिकता बच्चा इसके अंदर नहीं सीखता। यानी कि कहीं पर भी वो सुसु वगैरह कर देते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी नजर में कोई चीज गलत नहीं है, कोई चीज मोरल डिसमोरल नहीं है। उसके बाद एक और चीज सीखने की आप देखेंगे इस अवस्था में, और वो ये होगी कि सीखने के लिए इस एज में आपको सीखने का बेस्ट काल का है, काफी मनोवैज्ञानिकों ने। और इसके अंदर बच्चा अपनी सेंसेस का प्रयोग, यानी कि अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है, इंद्रियों का प्रयोग। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई चीज सीखनी होगी, अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग बच्चा करेगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों सीखने से रिलेटेड, ठीक है। इसके अंदर फास्ट सीखना होगा, बेस्ट काल होगा, रैपिड होगा सीखना, इंद्रियों से सीखेगा, मौलिक कोई भी चीज नहीं सीखेगा। और इसके अंदर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज होता है। अगर डेवलपमेंट के एरिया की अगर बात करें तो इसके अंदर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही तेज होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बाल्यावस्था की। अब बाल्यावस्था में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाल्यावस्था के ही आएंगे। शैशवावस्था की वो चार पांच चीजें ही आएंगी जो मैंने आपको बताई, उससे बाहर शैशवावस्था के अंदर सीखने की चीजें नहीं आ सकती, ना ही आई है। ये बात आप पल्ले बांध कर चले। अब यहां पर ये चीज देखे दोस्तों कि बाल्यावस्था को दो टुकड़ों में बांटा हुआ है सहूलियत के हिसाब से। एक है पूर्व बाल्यावस्था जिसे प्री चाइल्डहुड बोलते हैं, एक है लेटर चाइल्डहुड जिसे उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। टाइम पीरियड भी इनका बांट दिया गया है, ये 2 से 6, ये 7 से 12। अब इनके अंदर बच्चों के अंदर क्या चेंज आते हैं, अब देखिए सबसे पहले डिफरेंस जो आपको जानने जरूरी है, पूर्व बाल्यावस्था को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं प्ले एज, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, खिलौना आयु। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं ग्रुप एज, समूह आयु। यहां पर ग्रुप फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब प्री चाइल्डहुड में आप देखिए, अब सामाजिक दायरे की बात करें तो सामाजिक दायरा इन्फेंसी में पहली अवस्था में क्या था, शून्य था, यानी कि बच्चे की मोरालिटी जीरो थी और बच्चा सिर्फ अपने परिवार में ही रहता है। यानी कि जो सोशलाइजेशन होता है, जो इफेक्टिव डेवलपमेंट होता है, वो परिवार तक ही सीमित होता है। तो एक चीज आप यहां पर याद रखें कि यहां पर पूर्व बाल्यावस्था में परिवार के साथ बच्चे के पड़ोस भी आ जाता है, लेकिन यहां पर परिवार तो होता ही है, पड़ोस भी होता है, लेकिन इस एज में बच्चा स्कूल में जाने लगता है, तो नैतिक चीजें सीखना सर्वाधिक होता है उत्तर बाल्यावस्था। ये चीज आपको याद रखनी है, ये खिलौना आयु, ये समूह आयु, लेकिन इसके अंदर एक्टिव मेंबर अभी भी नहीं बनता है बच्चा। एक्टिव मेंबर कब बनेगा, एक्टिव मेंबर बनेगा बच्चा किशोरावस्था में जाने के बाद, ठीक है। अब इसके अंदर सीखना तेज होता है, इसके अंदर सीखने की गति स्टेबल हो जाती है, यानी कि ना इतनी तेजी से सीखना, ना इतनी कमी से, इसके अंदर तेज होती है, इसके अंदर स्टेबल होती है। अब और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो आपको अभी बताता हूं, जो समझने जरूरी है। अब और चेंज ये आते हैं दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इमोशंस की, जिसको संवेग बोलते हैं। देखिए वैसे तो 4 मुख्य संवेग होते हैं, लेकिन सभी संवेगों की बात करेंगे अभी, क्योंकि संवेगों के बारे में आगे पढ़ाऊंगा आपको दूसरी मेगा क्लास में, लेकिन हिंट दे देता हूं अभी। जो सभी संवेग है, इमोशन है, वो 2 साल तक डेवलप हो जाते हैं, 2 साल तक, ऐसा कहा था एक मनोवैज्ञानिक ने जिसका नाम था ब्रिजेज। तो इन्फेंसी के अंदर जो पहली अवस्था थी, सभी संवेग आ जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। पहली अवस्था के बारे में बताना भूल गया था, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है।
अब बैक टू द टॉपिक, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था का पोस्टमार्टम हम कर रहे थे, तो उसमें एक चीज आप याद रखेंगे कि जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है दोस्तों, उसके अंदर शारीरिक परिवर्तन फास्ट होंगे, इसके अंदर स्टेबल होंगे उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। अब एक चीज और आपको याद रखना है कि इसके अंदर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होगी, पूर्व बाल्यावस्था के अंदर, ये पूर्व की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि 2 से 6 साल के बीच में यहां पर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी, क्यूरियोसिटी पनपना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है। अब एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि इसके अंदर बच्चा क्या करता है, पूर्व बाल्यावस्था के अंदर ही दूसरी भाषा सीखना शुरू कर देता है। लर्निंग की अगर बात करें तो दूसरी भाषा सीखना कब शुरू करता है, 2 से 6 साल के बीच में ये आप शुरू करवा देते हैं बच्चे को जबरदस्ती आजकल, वरना पहले तो बाद में सिखाई जाती थी, लेकिन आजकल तो पैदा होते ही बस्ता टांग दिया जाता है, तो आंसर ये हो गया है। अब एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, शिक्षा की दृष्टि से बाल्यावस्था सबसे इंपोर्टेंट काल होता है। इसके अंदर आपको पता है कि जब उत्तर बाल्यावस्था आती है, जब बच्चा 7 से 12 साल का होता है, तो उसके अंदर स्कूल के अंदर वो एंट्री मार लेता है। इसीलिए सीखने की दृष्टि से, डेवलपमेंट की दृष्टि से बाल्यावस्था का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा एंट्री इसी अवस्था के अंदर मारता है। ये आप चीजें हमेशा याद रखेंगे, है ना, ये आपको समझना भी जरूरी है। अब एक चीज और समझेंगे बाल्यावस्था के बारे में, और आपको बताऊंगा। देखिए, सीखने की अगर मैं बात करूं तो पूर्व और उत्तर में एक बड़ा डिफरेंस होता है बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट का, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट का बहुत फर्क होता है सीखने में पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था में। ये आपको बेसिकली वीडियोस के अंदर चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन यहां पर मैं A to Z चीजें कराऊंगा, तो पॉइंट ऑफ व्यू बनाता हुआ चलूंगा आपको, क्योंकि दोस्तों बच्चों के अंदर रीजनिंग पावर की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग पावर होती है उत्तर बाल्यावस्था में ज्यादा, और रीजनिंग पावर की कमी होती है पूर्व बाल्यावस्था में। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आपको मैं एक चीज और मिस कर गया, लेकिन मिस अब नहीं करूंगा, बता देता हूं। एक आपने चीज देखी होगी, वस्तु स्थायित्व, ये प्याजे की थ्योरी में आ जाता कल, ये जो सोच रहे होंगे ये नहीं कराया वो नहीं कराया, वो सारी चीजें आगे आ जाएंगी, सिस्टमेटिक वे से चल रहा हूं मैं ना। एक तो होता है कि आप अलग अलग से सारी चीजें समझे, मैं वो नहीं कर रहा कि आपको एक थाली दे दी बना के कि लो सारी सारी चीज, दो दो पीस डाल दिए मैंने, नहीं, सारी चीजों को डिटेल से समझेंगे। वस्तु स्थायित्व जो होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये 0 से 2 साल के अंदर ही आ जाती है। ये कल प्याजे की थ्योरी वगैरह समझाऊंगा, उसमें आपको बताता मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही समझ लो। तो ये पहली वस्तु सीख जाता है, वस्तु स्थायित्व, ये आपको बताना चाहता हूं, ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख जाता है। अब पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था की हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक चीज और आप समझे कि उत्तर बाल्यावस्था के अंदर ही पढ़ाई में रुचि आएगी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंटरेस्ट लेना पढ़ाई में कब सीखते हैं, इंटरेस्ट कब आना शुरू करता है, उत्तर बाल्यावस्था में, जब वो स्कूल में जाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, इसमें बच्चा डिस्कवरी करके सीखता है, यानी कि खोजबीन करके सीखता है। याद रखना, बाल्यावस्था में जब भी बच्चा सीखेगा तो खोजबीन करके सीखेगा, उसका अप्रोच कैसा हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक। आपसे पूछा जाता है कौन सी अवस्था में बच्चे का अप्रोच ह्यूरिस्टिक हो जाता है, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोजना, खोजकर्ता, तो साइंटिस्ट बन जाते हैं, समझ में आया। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, फिजिकल चेंजेस की भी अगर मैं बात करूं आपसे, तो इन दोनों अवस्थाओं को मैं फिजिकल चेंजेस के हिसाब से भी कंपेयर कर लेता हूं, तीनों अवस्थाओं को करता हूं। चलो, अगर यहां पर आई इन्फेंसी की बात, तो फिजिकल चेंज होंगे इसके अंदर तेज। अब बाल्यावस्था की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर मैंने दो पार्ट बांटे हैं यहां पर, एक पूर्व और एक उत्तर।
पूर्व बाल्यावस्था में भी तेज होगा फिजिकल डेवलपमेंट, यहां पर भी तेज और यहां पर भी तेज, लेकिन यहां पर धीमा हो जाएगा, स्टेबल धीमा। ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेबल हो जाएगा अगर मैं शारीरिक विकास की बात करूं तो। अब देखो एक चीज मैं और बताना चाहता हूं जिसमें काफी बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत अलग अलग, लेकिन ये डाउट भी आपका क्लियर करना जरूरी है जो आज तक नहीं हुआ होगा काफी स्टूडेंट का जो नए हैं, हमारे वाले स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनमें तो पता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं मानसिक विकास की, एक चीज होती है मानसिक विकास और एक दूसरा कंसेप्ट होता है यानी कि बुद्धि का, या अगर हम कहें बुद्धि का निर्माण होना, या हम कहें मस्तिष्क का निर्माण होना। अब देखिए बच्चे का जो मस्तिष्क का निर्माण है वो 0 से 2 साल में 90% तक हो जाता है, यानी कि जो उसका ब्रेन है, ब्रेन जो सबके पास होता है उसका, वो बनकर तैयार हो जाता है 90% पहली अवस्था में। लेकिन प्याजे ने ये क्लियर कर रखा है कि किशोरावस्था तक जाते जाते उसकी एबिलिटीज अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। अब ये देखिए कि दो चीजें अलग हैं, समझने की कोशिश करो। एक चीज क्या है कि दिमाग बनकर तैयार होना, वो 90% तक हो जाता है आपका इन्फेंसी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर सारी बुद्धि आ जाएगी। लेकिन उसका संज्ञानात्मक विकास यानी कि उसका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा वो चरम सीमा पे किशोरावस्था में पहुंचेगा। तो ये भी एक चीज थी जो काफी बच्चों को नहीं पता थी और उनको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप समझें। चलिए अब सीधा डाइव कहां मारते हैं, ये दोनों चीजें आपने काफी देख ली, दोनों अवस्थाएं। अब हम सीधा डाइव मारते हैं किशोरावस्था में, ठीक है। सीधा डाइव कहां मारेंगे, किशोरावस्था में। चलिए किशोरावस्था को अब समझने की कोशिश करते हैं। कितना टाइम हो गया मैं क्लास लेते लेते, ये भी देख लेता हूं। एक 106 मिनट, काफी जल्दी निपटा दिया यार, इसका मतलब तो आपको 3-3 घंटे भी नहीं लगेंगे, 3 दिन। कोई बात नहीं, कल लग जाएंगे 3 घंटे, मुझे लग रहा कल नहीं परसों, कल का तो रेस्ट लूंगा भाई, खड़े खड़े ऐसा हो गया जैसे कि कावड़ लेके आया हूं, 2-2.5 घंटे खड़ा हो गया ऐसा ही लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि कहीं दूर जाना था, ट्रेन की टिकट ले ली और जनरल कंपार्टमेंट की, और खचाखच वो भरी हुई है और जबरदस्ती खड़ा रहना पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। जबरदस्ती तो नहीं लेकिन दर्द वैसा ही है, काफी दिनों के बाद इतनी लंबी क्लास ली है ना मैंने इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, 2 घंटे हो गए अभी, तो इसको समझाने में भी आधा घंटा लग जाएगा, तो 3 घंटे की क्लास हो ही जाएगी। अब किशोरावस्था को देखते हैं क्या होती है, किशोरावस्था के अंदर बच्चा क्या क्या सीखता है और कैसे कैसे सीखता है किशोरावस्था। अब देखिए किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बताया, उसको हम क्या मानते हैं, 12 से 18। इसका कलर चेंज कर लेता हूं, मैं दिख नहीं रहा होगा, क्या मानते हैं, 12 से 18, 12 to 18 years, ठीक है। ये तो हुई इसकी पहली विशेषता जो आपको बेसिक चीज जाननी जरूरी है, टाइम पीरियड। उसके बाद दोस्तों बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में जब बच्चा एंट्री करता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारी चीजों को वो सीखता है, वो मेंटली मैच्योर होना शुरू कर देता है, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि उसकी मस्तिष्क का निर्माण 90% तो बाल्यावस्था उसमें शैशवावस्था में हो चुका, लेकिन अगर आपसे कहें कि उसका मानसिक विकास लगभग पूर्ण कब होता है, मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का पूर्ण कब होता है, तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पूर्ण होगा किशोरावस्था में। बच्चा अब देखिए थिंकिंग की अगर मैं बात करूं तो यह बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, थिंकिंग कितने तरीके की होती है, अब ये भी आपको अधूरी चीजें बता रखी हैं,
थिंकिंग दो तरीके की होती है, पहली होती है रियलिस्टिक, दूसरी होती है इमेजिनेटिव। रियलिस्टिक का मतलब वास्तविक और इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पना परक। ये एक तरीके की होती है। रियलिस्टिक के तीन पार्ट होते हैं, पहली होती है डाइवर्जेंट, दूसरी होती है कन्वर्जेंट और तीसरी होती है क्रिटिकल। ये क्रिटिकल क्या होती है, समझाई थी ना मैंने, जो सोचे समझे आकलन करने के लिए जरूरी होती है, खुद का भी दुनिया का भी, क्रिटिकल थिंकिंग। कन्वर्जेंट क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में सोचना। डाइवर्जेंट क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में सीखना, एक क्रिएटिव बच्चे के पास होती है। तो थिंकिंग जो होती है ना बच्चे की, ये सभी पावर एक ही स्टेज में नहीं आती। किशोरावस्था में इमेजिनेटिव पावर, क्रिटिकल थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सभी आ जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग पूर्व बाल्यावस्था में होती है, यानी कि बच्चा सिर्फ एक ही तरफ सोच पाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग भी करने लगता है, किशोरावस्था में क्रिटिकल थिंकिंग उत्पन्न हो जाती है। समझ में आई चीजें? अब ये थिंकिंग मुझे ऐसे डिटेल में बतानी पड़ी, जब थिंकिंग टॉपिक करेंगे तो ये सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। अभी बस ये समझ जाओ कि जो थिंकिंग होती है वो किशोरावस्था में जाकर अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है। बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कर ही नहीं सकते, डाइवर्जेंट तक आपको काम चलाना पड़ेगा। ये बात है। तो आप समझ गए जो चीज मैं आपको समझाना चाहता था, क्या कि बच्चा मेंटली पूरी तरीके से डेवलप तीसरी अवस्था में होगा। अब आपने देखा है कि फिजिकल डेवलपमेंट जो इन्फेंसी में तेज था, प्री चाइल्डहुड में तेज था, लेटर चाइल्डहुड में स्टेबल या धीमा हो गया था, लेकिन किशोरावस्था में दोबारा से तेज हो जाएगा। इस अवस्था में बच्चे की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है और डोले शोले बन जाते हैं, यानी कि मांसपेशियां भी बच्चे की ज्यादा हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद एक चीज मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, क्या करें यार, ये फैक्ट हर क्लास में डिस्कस हो ही जाता है। I'm sorry boys, I feel for you, but I have to tell you the truth. वो ये है कि इस अवस्था में डेवलपमेंट लड़कियों का जल्दी होता है। लड़कियां फिजिकली मेंटली मैच्योर जल्दी होती हैं लड़कियों लड़कों से, वो सारी चीजें जल्दी सीखती हैं। उसका एक प्राइम एग्जाम्पल ये है, I'm sorry to say, लेकिन आपको पता है कि अगर बात करें स्मार्ट होने में, इंटेलिजेंट होने में, तो एक छठी क्लास की लड़की एक ट्वेल्थ क्लास की लड़की को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन एक छठी क्लास का लड़का एक ट्वेल्थ क्लास की लड़की को, क्या चौथी क्लास की लड़की को बेवकूफ नहीं बना सकता? तो थोड़ा सा शांत। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का मानसिक और उनका फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि उनके अंदर मैच्योरिटी आना, अब जिसका डेवलपमेंट ज्यादा जल्दी होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, उसके अंदर मैच्योरिटी जल्दी आएगी। आपको पता है क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट तो रुक जाता है, तो लड़कियां इस चीज में बाजी मारती है। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट में लड़कियां बाजी मारती हैं, यानी कि भाषा के विकास में जल्दी बोलना सीखती हैं, उनके सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं शुरुआत में, बाद में जाके चीजें स्टेबल हो जाती हैं। अब यहां पर आपने देखा होगा, आप देखिए फिजिकल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसको थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा सा डीपली समझाना चाहूंगा फिजिकल डेवलपमेंट को, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट में दोस्तों आपको पता होगा कि एक तरफ है लड़के, एक तरफ यहां पे लड़कियां आपकी, ठीक है। तो इन्फेंसी में लड़कियां जल्दी डेवलप करेंगी लड़कों से, फास्टेस्ट होगा लेकिन लड़कियां ज्यादा, इसमें लड़कियों की लीड है। बाल्यावस्था में भी लड़कियां डेवलप करेंगे लेकिन किशोरावस्था में लड़के लड़कियों को ओवरपावर करेंगे। आप जाकर एक चीज देखना, बाल्यावस्था के अंदर छोटी क्लासेस में लड़कियां लड़कों से लंबी होंगी, लेकिन जब आप देखेंगे कि 11वीं 12वीं क्लास आती है तो लड़के लंबे हो जाते हैं और लड़कियों की हाइट स्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मैच्योरिटी फिजिकली जल्दी अचीव कर लेती है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये फैक्ट है आपका। लेकिन किशोरावस्था में आप क्या देखते हैं, बाजी कौन मार लेते हैं, लड़के, क्योंकि बाल्यावस्था तक लड़कियां मैच्योर हो जाती हैं, अब मैच्योरिटी लेट होती है बच्चों में, तो मैच्योरिटी आते आते वो किशोरावस्था में पहुंचते हैं और इस टाइम पर वो लड़कों लड़कियों से फिर लंबे चौड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें किशोरावस्था में लड़कों की हाइट ज्यादा वगैरह होती है, हाइट वेट, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए और देखते हैं। देखिए आपके जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं
वो फुली डेवलप हो जाते हैं इस अवस्था में। ठीक है, आगे इस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, क्योंकि बुद्धि की यानी कि जो थिंकिंग की जितनी भी क्षमताएं होती हैं, जो मैंने आपको बताया क्रिटिकल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, इमेजिनेटिव, हर तरीके की थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज प्याजे के अनुसार चौथी स्टेज है मेंटल डेवलपमेंट की, वो भी इसी के अंदर आती है, इसीलिए मानसिक विकास चरम सीमा पर इसमें पहुंचता है। ठीक है भाई, एक चीज और याद रखना कि बच्चे की और भी मेंटल एक्टिविटी, किसी भी चीज को याद रखना, रिमेम्बरिंग पावर, बच्चे का अंदाजा लगाना, और बच्चे की थोड़ी बहुत जो है सूझबूझ इसमें पूरी डेवलप हो जाती है, सीधी सी बात है। उसके बाद अगर मैं इफेक्टिव डेवलपमेंट की बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुप एज आप किसको बोलते हैं या फिर गैंग एज किसको बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड को, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था को, क्योंकि उसमें ग्रुप बनने शुरू होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आप डेली नहीं आ जा सकते। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने कई ऐसी जगह मिस की होगी जहां पर आप जा नहीं सकते, आपने अलाउ मांगा होगा कि मैं वहां चला जाऊं घूमने, मैं खेलने चला जाऊं, नो आपको सुननी मिली होगी, तो आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, इसलिए आपको दबाव में रहना पड़ता है, इसीलिए आप एक्टिव मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन जब आप 12 से 18 के हो जाते हैं, आप देख लूंगा मैं, बहाने बनाने लगते हैं। बहाने क्यों बनाते हैं, क्योंकि आपका मेंटल डेवलपमेंट होने लगता है। पूर्व वाला पहले क्या था, उस टाइम पर आप बहाने इतने अच्छे नहीं बना सकते थे, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट आपका हो जाता है इस टाइम पर पूरे चरम सीमा पर, तो आप सोच पाते हैं कि घर वाले कौन से बहाने पर अटकेंगे, कैसे मैं कौन सा बहाना लगाऊं, तो आप काम चलाते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। तो इसमें मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है, एक्सट्रोवर्ट नेचर हो जाता है, काफी सारी नई चीजें बच्चा सीखता है। ठीक है, और इसके अंदर एक्टिव मेंबर बन जाता है, सक्रिय सदस्य, बहाना तैयार होता है, इसलिए एक्टिव मेंबर वो बन गया है, टाइम पर पहुंचूंगा एक्स वाई जेड कुछ भी करके, दीज आर माई वर्ड्स, ऐसा होता है सब। ठीक है, ओके अजय सर, क्या बात है अजय जी, लाइक शेयर कर देना सब मिलकर, जरूर जी बिल्कुल कर देना। वैसे अच्छा लगा मुझे इतनी लंबी क्लास लेके आज काफी दिन के बाद, तो यहां पर आप समझ गए। उसके बाद एक और चीज, यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। अब आप समझ गए होंगे, इसको मैं ज्यादा एलिब्रेट नहीं करूंगा। उसके बाद इस अवस्था में नशा और अपराध की ओर बच्चे उन्मुख हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आता है इमोशनल डिसबैलेंस, यानी कि सांवेगिक अस्थिरता। सांवेगिक अस्थिरता का मतलब क्या होता है, देखिए इमोशन 2 साल के अंदर अंदर सब कुछ आ जाता है, सारे इमोशन बच्चे के अंदर आ जाते हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी कि जब शैशवावस्था होती है तो उसमें बच्चे का बिहेवियर होता है बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड, बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड, और जो इमोशन होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं बच्चे के अंदर। लेकिन बाल्यावस्था में उस इमोशन को दबा दिया जाता है जबरदस्ती, बाहर वालों के द्वारा, बच्चे के द्वारा। लेकिन किशोरावस्था में फिर वो इमोशनल डिसबैलेंस आते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, मूल प्रवृत्ति क्या है, देखिए एक मनोवैज्ञानिक थे मैकडूगल, उन्होंने ये कहा था कि जब भी व्यक्ति के अंदर कोई संवेग आता है तो 2 तरीके के चेंज आते हैं, कुछ चेंज होते हैं व्यक्ति के अंदर, कुछ होते हैं बाहर। जैसे कि मान लो मेरे अंदर संवेग आ गया, मैं खुश हो गया, तो क्या होगा, मेरी हार्ट बीट ठीक तेज हो जाएगी और मैं हवा में जंप करूंगा, ये करूंगा कि यस खुश हो जाऊंगा, तो बाहरी रूप से परिवर्तन आए और आंतरिक रूप से भी है। मान लो कि मुझे गुस्सा आ गया, इमोशन आ गया है गुस्सा, तो क्या होगा, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पसीना आने लगेगा, मेरे दांत कड़कड़ाने लगेंगे ऐसे, और आप देखोगे सर को गुस्सा आ गया, तो क्या होगा कि कुछ इंटरनल चेंज आएंगे, कुछ एक्सटर्नल चेंज आएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे गुस्सा आ गया तो 2 चीज हो सकती है, कि मैं अपने गुस्से को पी जाऊं और बोलूं किसी ने गाली दी मुझे तो मैं बोलूं कोई बात नहीं भाई मैं लड़ना नहीं चाहता। तो ये जो मैंने बिहेव किया वो कैसे किया, वो किया मैंने सोचा समझा व्यवहार। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि कोई इमोशन आया तो उसकी एक नेचुरल प्रोसेस क्या होगा, किसी ने गाली दी मुझे गुस्सा आया तो मैं उसको मारूंगा थप्पड़, या फिर मान लो कि यहां पर कोई जंगली जानवर आ गया तो एक नेचुरल प्रोसेस क्या होगा कि आप उसको देखकर भाग जाएंगे।
या फिर मान लो अगर धूप आ रही है एकदम से बहुत तेज है, तो आप ऐसे हाथ हड़ा लेते हैं अपनी आंखों के सामने, तो कोई भी इमोशन आने के बाद जो आप एक नेचुरल रिएक्शन देते हैं उसको बेसिक इंस्टिंक्ट कहा जाता है। हर एक इमोशन के साथ एक बेसिक इंस्टिंक्ट जुड़ी हुई है, यानी कि हर एक जो आपका संवेग है उसके साथ कोई एक बेसिक इंस्टिंक्ट हमेशा जुड़ी हुई होती है। जैसे कि डर लगेगा तो आप पलायन करेंगे, भाग जाएंगे, समझ में आई बात? ठीक है, अगर आपको गुस्सा आया तो आप हिंसा करेंगे। तो गुस्सा आना इमोशन हुआ, हिंसा करना क्या हुआ? कोई भी इमोशन आने के बाद जो एक नेचुरल रिएक्शन होता है। तो जब पहली अवस्था होती है तो बच्चे को भूख लगी या बच्चे को मान लीजिए दर्द हुआ, पेन हुआ, तो पेन होगा तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा। रोना क्या हुआ? एक बेसिक इंस्टिंक्ट हुई। तो बच्चे का जो बिहेवियर होता है पहली अवस्था में वो बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि दर्द हुआ, भूख लगी तो रोने लग गया। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होगा, आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मान लो एक छोटा बच्चा है, आपने उसको थप्पड़ मारा और वो बोला कि बेटा रोना बंद कर दे वरना और थप्पड़ मारूंगी, लेकिन वो फिर भी रोना बंद नहीं करता है, तो वो आपका छोटा बच्चा है। लेकिन अगर बाल्यावस्था में वो बच्चा बड़ा हो जाता है, आप उसको बोलते हैं कि बेटा अब रोया ना, अब तो थप्पड़ मारा फिर मुक्के मारूंगी, तो 90% चांसेस में बच्चे चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर बेस्ड व्यवहार नहीं करते। लेकिन जब किशोरावस्था आती है तब बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर व्यवहार करते हैं, कोई अच्छा लगा तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं या एक्स वाई जेड जो भी बातें। तो याद रखना कि इमोशंस परेशान करते हैं इसमें किशोरावस्था में, और बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर आप कभी कभी बेस्ट व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? ओके, एक चीज और बताना चाहता हूं कि एक मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले हॉल, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने इसको तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा था, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे जो है बच्चे के अंदर फिजिकल मेंटल चेंजेस आते हैं जिससे बच्चा अनस्टेबल फील करता है, इसीलिए इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, इसमें मैंने आपको ए टू जेड चीजें करवा दी कि बाल विकास क्या होता है, लर्निंग क्या होती है, कितनी स्टेज होती है और मेन मेन चीजें क्या क्या होती हैं। अब इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लर्निंग की थ्योरीज करेंगे, ठीक है, लर्निंग की थ्योरीज करेंगे सारे और लर्निंग के प्रिंसिपल करेंगे, तो आपका बहुत सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये तीन तीन घंटे की, ये दो घंटे और तीन घंटे के बीच की जो एक क्लास होगी लगभग तीन घंटे की, ये लगभग 10 क्लास होगी आपकी, जिसमें मैं सीडीपी की सारी चीज करा दूंगा। जो बाकी चीजें नहीं आई है ना, तो ये मत सोचना वो आएंगी नहीं, वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। तो जिन लोगों को ये दिक्कत थी कि सर पूरा सिलेबस कब होगा, तो ऐसे 10 क्लास में हो जाएगा। बाकी हर एक टॉपिक की अलग वीडियोस भी आपके लिए आएंगी। अब तो आपके लिए सीडीपी को इंग्लिश में कराने के लिए ख्याति मैम भी आ चुकी है, आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। तो ये जो वीडियो थी आपको कैसी लगी, आपकी पहली क्लास? अब देखिए ये मैराथन वैराथन एमसीक्यू की लेना बेकार है इस टाइम पर, पहले बेस बना दो आपका पूरा, उसके बाद लेंगे हम हक से। ऐसा नहीं कि हमने करवाई नहीं हुई चीजें, ये चीजें करवाने के बाद, ठीक है, टेंशन ना लें। 10 क्लास लेने के बाद सीडीपी का एग्जाम, एग्जाम के अंदर तो सीडीपी हो गया, कुछ नहीं लगेगी आपको। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। काफी नए स्टूडेंट भी जुड़े होंगे, तो जो नए स्टूडेंट है वो जरूर बताएं कि सर हम पहली बार आपको देख रहे हैं, नए स्टूडेंट है, सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, मुझे अच्छा लगेगा। टेक केयर। अब मैं जाती हूं, पहली बार तो खाना खाऊंगा, और मैं हूं चितब, मैं उठूंगा सुबह और उठने के बाद सीधा आप लोगों के लिए क्लासेस बनाऊंगा जबरदस्त जबरदस्त। तो चलिए, थैंक यू सो मच, अब तक भी 400 लोग थे, अच्छा लगा, शेयर जरूर कर देना और नए स्टूडेंट सब्सक्राइब भी कर देना, और नेक्स्ट क्लास का वेट करना। नेक्स्ट क्लास कल नहीं लूंगा, परसों लूंगा मैं, ठीक है, 8:30 से आगे, ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आई होप अच्छी लगी होगी क्लास, फीडबैक जरूर दें।